हाँ मेरा बंद हो गया था। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं आपका चालू कर, मतलब एंड थोड़ी हुआ, लेकिन आपका तो शेड्यूल था ना, शेड्यूल से एंड नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, बट ठीक है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। यस, एक बार आप 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, सब लोग आ जाए, फिर नया सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। जो लोग ये लेक्चर डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं, गाइस यार इसके पहले ना एक और पार्ट है, पार्ट ए करके, मतलब पार्ट ए नहीं डाला है, लेकिन एक और लेक्चर है उसके पहले, एक हाफ एन आवर का, 45 मिनट्स का, पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये देखिएगा। उसमें मैंने 96, 97 और 98 तीन सेक्शन कवर करवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट करूंगा 100 से, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा 100 से। चलिए ओके, 1 मिनट और रुकता हूँ, सब लोग आ जाएं यार, 1 मिनट और रुकता हूँ, 1 मिनट और रुकता हूँ, सबको आ जाने दो, विल वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट का रखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट वन है सेक्शन 100। चलिए सेक्शन 100 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 100 किसके बारे में बोलता है यार? ईजीएम के बारे में। सेक्शन 100 किसके बारे में बोल रहा है बेटा? ईजीएम के बारे में सेक्शन 100 बोल रहा है। आ जाइए, ईजीएम से स्टार्ट करते हैं। कौन सी पेनल्टीज लर्न करनी है? एक शीट प्रोवाइड कर देता हूँ, एक शीट दे देता हूँ, डोंट वरी, एक शीट दे देता हूँ आपको, वो 4-5 पेनल्टी कर लीजिए बस। 110, 110 की बात करें, सॉरी 100 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 100 नंबर किसका है बेटा आपका? 100 नंबर किसका है? ईजीएम का। तो ईजीएम है ना, चार तरीके से हम लोग ईजीएम बुला सकते हैं। कितने तरीके से हम लोग ईजीएम बुला सकते हैं बेटा? चार तरीके से हम लोग क्या बुला सकते हैं? ईजीएम बुला सकते हैं। ओके सर,
कौन से चार तरीके हैं बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग चार तरीके से चार लोग बुला सकते हैं ईजीएम। कौन कौन? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन दी रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुला सकते हैं, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किसने की? शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट की, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कॉल कर रहे हैं। और तीसरा रिक्विजिशन खुद बुला सकता है। रिक्विजिशन मतलब मेंबर जब रिक्वेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं रिक्विजिशन। खुद मतलब मेंबर खुद क्या बुला सकते हैं? ईजीएम बुला सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, और लास्ट वन ट्रिब्यूनल बुला सकता है। ट्रिब्यूनल का सेक्शन कौन सा है बेटा? 98 जो अभी हमने देखा है ना, ईजीएम बाय एनसीएलटी 98, ईजीएम बाय एनसीएलटी है ना, ईजीएम बाय एनसीएलटी करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ईजीएम एक्स्ट्रा, ईजीएम नहीं भी ले तो चलता है, लेकिन एनसीएलटी को मेंबर ने बोला है, मेंबर ने बोला है कि ईजीएम लेना है, लेकिन कंपनी ईजीएम ले नहीं रही हमारे बोलने से, तो जाके एनसीएलटी बीच में आएगा बेटा, तो जाके शिवानी ईजीएम ईजीएम बंदा बीच में आएगा। शिवानी ने क्वेश्चन पूछा, हार नहीं मानेंगे सर, कितनी भी बार लेक्चर एंड हो जाए। नहीं नहीं आज चैप्टर खत्म करके जाएंगे, आज प्रॉमिस है, ये वादा हमने अपने आप को किया है कि आज अपन इसको खत्म करके जाएंगे। ओके चलिए सर, ये अकुल को ब्लॉक करो। ओहो अकुल, आई लाइक दीज थिंग्स ऑफ गर्ल्स। अकुल बेटा तेरे को रुक जा बेटा, एक मिनट ब्लॉक कर देते हैं तेरे को बेटा। ये ले बेटा, कर दिया बेटा, कर दिया ब्लॉक कर दिया बेटा। अकुल कौन सा वाला अकुल है? दूसरा वाला अकुल है, ये अकुल का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये अकुल अपना अकुल वो नहीं है, अरे वो अकुल नहीं है, वो अकुल नहीं है, वो अपना अकुल नहीं है, इसका बेचारे का अकुल का नाम बदनाम करने के लिए कोई बंदा आया है। बताओ अकुल अच्छा बच्चा है बेचारा, अकुल अच्छा बच्चा है बेचारा। ओके सुनोगे? सुनो सुनो आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, आराम से ध्यान से सुनोगे बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। सो अगर हम बात करें किसकी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, तो चार तरीके से हो सकता है। सबसे पहला कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाई पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन टू ट्रांजेक्ट स्पेशल बिजनेस। टू ट्रांजेक्ट वॉट? स्पेशल बिजनेस। आपका क्या मिला बुला लेंगे? ईजीएम बुला लेंगे। क्या बुला लेंगे? आपका ईजीएम बुला लेंगे। करेक्ट आते बात सुनो, कॉन्सेंट्रेट करना। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ईजीएम बुला सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो यार, दूसरा है रिक्वेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। रिक्विजिशन का मतलब क्या हो गया बेटा? रिक्वेस्ट। रिक्विजिशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिक्वेस्ट। सुनना एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। रिक्विजिशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिक्वेस्ट। रिक्विजिशन का मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट। अब ये पॉइंट को समझना, और मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो बोलना कि बोला 21 दिन में तैयारी स्टार्ट करेंगे। बोलो 21 दिन के अंदर तैयारी स्टार्ट करेंगे, 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर मीटिंग ले लेंगे, वरना 90 डेज के अंदर हम ले लेंगे, वरना 90 के अंदर हम ले लेंगे। तो क्या बोला है? सुनना आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। रिक्विजिशन का मतलब समझो, रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। जैसे दया रिक्वेस्ट करती है जेठालाल को, प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज, वैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेंबर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू होल्ड दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। करेक्ट है, टू होल्ड दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बहुत बढ़िया। रिक्वेस्ट, एक रिक्विजिशन की अगर हम बात करें, पहले बात तो ये रिक्वेस्ट, कितने लोग रिक्वेस्ट देंगे? अकेले आदमी के रिक्वेस्ट से मान लेंगे क्या हम? अकेला आदमी अगर रिक्वेस्ट कर ला तो मान लेंगे क्या हम? नहीं भैया, नहीं, इल्ले एक आदमी बोलेगा मीटिंग ले लो तो ले लेंगे, नहीं लेंगे। सो रिक्विजिशन कितना होना चाहिए? तो उसमें दो पार्ट, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सुना एकदम आराम से,
कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, सुनना अच्छे से, तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? मिनिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स. हैविंग व्हाट? वोटिंग राइट्स. जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 10% लोग, उसके कितने परसेंट लोग बेटा? 10% लोग. 1/10 का मतलब क्या हो गया? 10%. 1/10 का मतलब क्या हो गया? 10%. तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट मस्ट बी इन प्लेंटी. प्लेंटी मतलब कुछ नंबर में होना चाहिए रिक्वेस्ट. तो कितने नंबर में होना चाहिए अगर शेयर कैपिटल है? तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर. अब अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो मैक्सिमम 10% ऑफ वोटिंग पावर. 10% ऑफ वोटिंग पावर. तो उस टाइम पे क्या करना है? वोटिंग पावर लेना. पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखना, सिर्फ 10% ऑफ वोटिंग पावर देखना. 10% ऑफ क्या देखना बेटा? वोटिंग पावर. करेक्ट है? यहां तक बात सुन लो. रिक्वेस्ट, आकाश एक ही बात है बेटा. सो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स, जिसके पास वोटिंग राइट्स है वही वोट, वही यहाँ पे रिक्वेजिशन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं 10%. कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो 10% ऑफ टोटल क्या बोला है? वोटिंग पावर. 10% ऑफ व्हाट? टोटल वोटिंग पावर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इतने लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्ट देंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वेजिशन है. रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट देने वाले लोग हैं. ये रिक्वेस्ट किसको देंगे? ऑब्वियसली बात है, रिक्वेस्ट किसको देंगे? कंपनी को देंगे. करेक्ट है? तो रिक्वेस्ट कहां डिपॉजिट करेंगे? रिक्वेस्ट डिपॉजिट करेंगे एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. रिक्वेस्ट कहां डिपॉजिट करेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी से. सर 1/10 और 10% एक ही बात है? हाँ जी बिल्कुल एक ही बात है, एक ही बात है. तो ये जो रिक्वेजिशन है, मतलब रिक्वेजनिस्ट है, जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं उनको रिक्वेजनिस्ट बोलते हैं. वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? कंपनी को. चलिए, वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से. कंपनी को. तो वो अपने रिक्वेस्ट डिपॉजिट करेंगे कंपनी को. तो कंपनी, ये देखो रिक्वेस्ट आ गई कंपनी, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो तैयारियां स्टार्ट करेंगे, मीटिंग लेने की तैयारियां स्टार्ट करेंगे. तो देखना, जिस दिन रिक्वेस्ट आई है कंपनी को, जिस दिन रिक्वेस्ट आई है उसके 21 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन क्या आई है? रिक्वेस्ट आई है, उसके कितने दिन के अंदर अंदर? 21 डेज के अंदर उनको क्या करना है? प्रोसीडिंग करना है. सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीडिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रोसीडिंग करना है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीडिंग? हाँ या ना? यस और नो दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना. ये अकुल का इधर से फोन आ रहा है, अकुल का फोन यहाँ आ रहा है. हाँ अकुल. हेलो. हाँ बेटा. हाँ मुझे पता है तू नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. तू तो पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा. चलिए चलिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना. ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला गया है? रिक्वेस्ट की है, सुनना आराम से, कॉन्सेंट्रेट करो. हमने जिस दिन रिक्वेस्ट की है, यार देखो एक बात बताऊं यार, चलो मैं कमेंट बंद ही कर देता हूं तो थोड़ी देर क्या टेंशन ही नहीं रहेगा यार, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है बंदा, है ना. तो मैं इसको कमेंट ऑफ ही कर देता हूँ बेटा, कमेंट मैंने ऑफ कर दिए, ठीक है ना. तो आपका भी ध्यान बना रहेगा और कमेंट पे ध्यान नहीं जाएगा फालतू का, है ना, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं लोग. सो कोई सेंस नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग रिडिकुलस, मतलब बहुत ही बकवास सी बात है कि ऐसी बातें होती है, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. जहाँ हजारों चाहने वाले हैं कुछ तो लोग ऐसे रहेंगे, बट फिर भी स्टिल किसी के फैमिली के बारे में ऐसा बोलना गलत बात है, ठीक है. चलो रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिक्वेस्ट, प्लीज फोकस करना. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यारो? रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? रिक्विजिशन. रिक्विजिशन का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट की है. तो कितने लोग मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे? तो दो पार्ट, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल.
इफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर, इफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 10% ऑफ वोटिंग पावर, फिर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखना है, सिर्फ वोटिंग पावर देखना है। बहुत बढ़िया। रिक्वेजिशन हम कहां डिपॉजिट करेंगे? रिक्वेस्ट हम डिपॉजिट करेंगे कंपनी में। रिक्वेस्ट हम कहां डिपॉजिट करेंगे? कंपनी में डिपॉजिट करेंगे। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपने कंपनी में क्या किया, रिक्वेस्ट डिपॉजिट किया, उसके विद इन 21 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है मतलब क्या, मीटिंग का नोटिस भेजना चालू कर देना है, नोटिस वगैरह सेंड कर देनी है 21 डेज के अंदर। जिस दिन रिक्वेस्ट आई उसके 21 डेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी है। और रिक्वेस्ट से ही सुनना आराम से, रिक्वेस्ट से ही 45 डेज के अंदर अंदर, देखो इस चीज को क्लियर करो, 21 दिन खत्म होने के बाद 45 डेज नहीं है, यहां से 45 डेज है, मतलब 21 दिन भी इसी के अंदर आ गए, तो रिक्वेस्ट से 45 डेज के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। और अगर ये वो नहीं कर पाए, अगर ये नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, फेल टू होल्ड, सुनना अच्छे से, प्रोसीडिंग नहीं कर पाए, अगर 21 डेज के अंदर उन्होंने नोटिस वगैरह नहीं भेजी या 45 डेज के अंदर उन्होंने मीटिंग नोटिस नहीं भेजी, तो अगेन रिक्वेस्ट से ही रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन वाले लोग खुद मीटिंग ले लेंगे, रिक्वेस्ट से या रिक्वेस्ट से 90 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, रिक्वेस्ट से 90 दिन के अंदर वो मीटिंग ले लेंगे, रिक्वेस्ट से 90 दिन मतलब 45 डेज इसी के अंदर इंक्लूड है, इसी के अंदर इंक्लूड है। तो यहां से कौन कौन ले लेंगे, रिक्वेजिशन खुद मीटिंग ले लेंगे, ऑन मोशन पे मीटिंग ले लेंगे, ऑन मोशन में क्या ले लेंगे दोस्तों, मीटिंग ले लेंगे। सो देखो यार, क्या प्रोविजन बोल रहा है, हम लोग हमारी रिक्वेस्ट कहां दे रहे हैं, सुनना अच्छे से, हम लोग हमारी रिक्वेस्ट किसको दे रहे हैं, हम हमारी रिक्वेस्ट दे रहे हैं बेटा किसको, कंपनी को। कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपके, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो विद इन 21 डेज प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। विद इन 21 डेज क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग ले लेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट। सर 21 दिन कब से, रिक्वेस्ट से, सर 45 डेज का कब से, रिक्वेस्ट से। और अगर उनसे 21 दिन के अंदर मीटिंग नहीं हुई, 21 दिन के अंदर प्रोसीडिंग नहीं हुआ या 45 डेज के अंदर मीटिंग नहीं हो पाई, तो रिक्वेजिशन से 90 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर खुद मीटिंग ले लेंगे, वो रिक्वेजिशन खुद मीटिंग ले लेंगे। सर शेयर होल्डर मीटिंग लेंगे तो उनको खर्चा हो जाएगा ना, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो रीएम्बर्स कर दिया जाएगा, वो रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। देखिए ईजीएम बाय रिक्वेजिशन, सो रिक्वेस्ट कितना होगा, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर, और अगर कंपनी में नहीं है शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। डिपॉजिट रिक्वेजिशन एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, बहुत बढ़िया। कितने दिन के अंदर प्रोसीड करना है, 21 दिन के अंदर प्रोसीड करना है, और मीटिंग होल्ड करनी है कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, बहुत बढ़िया। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू कॉल मीटिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं ले पाते हैं तो मेंबर खुद कॉल करेंगे विद इन 3 months फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन। 90 डेज मतलब 3 महीने हमको लिखना है, हमको 3 महीने लिखना है, ठीक है। कोई भी खर्चा हुआ है तो एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर लेंगे। सर कब मानेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, कब मानेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल होंगे, जब प्रोसीडिंग 21 दिन के अंदर नहीं हुई या मीटिंग 45 दिन के अंदर नहीं हुई, या जब मीटिंग हुई भी तो सिर्फ पार्ट ऑफ द बिजनेस ही हुआ है, अभी पार्ट बिजनेस पेंडिंग है, मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग के अंदर पूरा काम नहीं हुआ, पार्ट अभी भी पेंडिंग है, पार्ट अभी भी क्या है, पेंडिंग है। सर ईजीएम कौन से दिन हो सकती है, एनी डे इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे, ये ईजीएम की बात कर रहे हैं। सर ईजीएम कौन से दिन हो सकती है, ईजीएम कोई भी दिन हो सकती है, एनी डे इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे, कोई भी दिन। सर टाइम, एनी टाइम इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स। प्लेस, एनी प्लेस इन इंडिया, कोई भी प्लेस पे हो सकती है। लेकिन अगर ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्वेजिशन है, ईजीएम कॉल्ड बाय क्या है, रिक्वेजिशन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, इफ ईजीएम कॉल्ड बाय क्या है, रिक्वेजिशन, मतलब रिक्वेजिशन ने ईजीएम कॉल की है, ईजीएम किसने कॉल किया, रिक्वेजिशन, तो वो कहां पे होगा, रजिस्टर ऑफिस और सच अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अगर क्या है, ईजीएम कॉल्ड बाय क्या है दोस्तों, रिक्वेजिशन है, रिक्वेजिशन ने अगर मीटिंग बुलाई है, थर्ड वाली मीटिंग, अगर रिक्वेजिशन ने मीटिंग बुलाई है तो वो मीटिंग कहां पे होगी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। सर कोई होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी है,
ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में होली ओन सब्सिडरी है, तो इंडिया में जो होली ओन सब्सिडरी है ना उसकी मीटिंग कहीं पे भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। ये हो गया आपका ईजीएम सेक्शन नंबर 100 पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। सेक्शन नंबर 100 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 96 किसका है? ईजीएम का। सेक्शन 97 किसका है? एजीएम बाय एनसीएलटी। 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी। 99 पेनल्टी, 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रखा तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी बढ़ती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखेंगे 100, तो 100 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 100 को एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी गाइस? क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मेरे साथ हो? हाँ जी सर बिल्कुल हो, हाँ जी बिल्कुल आप मेरे साथ हो। तो देखते हैं आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, देखते हैं आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। सो 100 में हमने बात किया था ईजीएम। ईजीएम कितने लोग बुला सकते हैं बेटा? 4 लोग बुला सकते हैं। सबसे पहले कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहला कौन बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। एवरीबॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग व्हाट बेटा? आपका बोर्ड रिजोल्यूशन टू ट्रांजैक्ट स्पेशल बिजनेस। टू ट्रांजैक्ट व्हाट बेटा? आपका स्पेशल बिजनेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कौन करेगा? रिक्विजिशन। कितने रिक्विजिशन? एकदम आराम से। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग वोटिंग पावर। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया बेटा। 21 दिन। अच्छा अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल प्रोसीड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। 21 दिन के अंदर तैयारियां स्टार्ट करेंगे, 45 डेज के अंदर मीटिंग ले लेंगे एंड शैल होल्ड द मीटिंग विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। अगर कंपनी से नहीं हो पाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं हो पाता है, मतलब 21 डेज के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की या 45 डेज के अंदर उन्होंने मीटिंग नहीं ली, तो रिक्विजिशन देमसेल्फ, रिक्विजिशन खुद मीटिंग ले लेंगे। कितने दिन के अंदर? 90 डेज फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन, मतलब 3 मंथ्स फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। सर जो भी खर्चा किया वो क्या होगा? रीएम्बर्समेंट हो जाएगा। जो भी खर्चा आपने किया वो क्या हो जाएगा? रीएम्बर्समेंट हो जाएगा। सर ईजीएम कौन से दिन हो सकता है? एनी डे। सर ईजीएम कौन से प्लेस पे हो सकता है? एनी टाइम। सर ईजीएम जो है वो कहां पे, टाइम कौन सा है? एनी टाइम एनी प्लेस। लेकिन अगर ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिशन है, अगर रिक्विजिशन ने ईजीएम कॉल किया, रिक्विजिशन मतलब समझते हो, बाय रिक्वेस्ट से ईजीएम आई है, तो वो कहां पे होगा बेटा? वो आपका होगा रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और विद इन सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। आर यू ऑल विद मी? मीटिंग ऑफ होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी है। कोई ऐसी होली ऑन सब्सिडियरी है, और होली ऑन सब्सिडियरी किसकी है? द कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया लाइक माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में कोई होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी है, तो ये अपनी मीटिंग इंडिया में भी ले सकती है, इंडिया के बाहर भी ले सकती है। सर 1% कंपनी, ओपीसी को मीटिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? एक ही बंदा है। रिजोल्यूशन जो है वो अकेला बंदा ही है, वही रिजोल्यूशन लेगा, मिनट बुक में लिख देगा। क्लास मीटिंग भी आप लोगे अगर रिक्वायरमेंट है तो, क्लास मीटिंग भी आप लोगे रिक्वायरमेंट। क्लास मीटिंग मतलब डिबेंचर होल्डर की मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग क्लास मीटिंग, सिर्फ डिबेंचर होल्डर की मीटिंग क्लास मीटिंग। अगर एक बंदा पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्ड करता है, कंपनी में एक ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो वो अकेला भी पूरा क्लास है, उसकी मीटिंग वो अकेला आदमी मीटिंग होल्ड कर सकता है, क्योंकि वही पूरा क्लास है, वही पूरा क्लास है। चलिए अब हम बात करते हैं नोटिस की। 101 की अगर हम बात करें नोटिस की बेटा, मतलब आपको मीटिंग लेने के पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देनी पड़ेगी। मीटिंग लेने के पहले क्या देना पड़ेगा, बोलो जल्दी से बेटा। ऑब्वियस ही बात है, मीटिंग लेने के पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। सर कितने दिन पहले हमें नोटिस दें? सर कितने दिन पहले हम नोटिस दें? तो नोटिस आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, है ना। 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आइदर इन राइटिंग भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो, पोस्ट से दे सकते हो, स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, कुरियर से दे सकते हो, ठीक है सर। सर क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? तो क्लियर डेज मतलब 2 दिन निकाल दो। 21 क्लियर डेज जब भी बोलू ना तो 2 दिन एक्सक्लूड कर देने का। कौन से दिन काउंट नहीं करोगे? जिस दिन आपने नोटिस सर्व किए, जिस दिन आपने नोटिस क्या किए, सर्व करी है, सर्व करी मतलब नोटिस पोस्ट से भेजी होगी या ईमेल किया होगा, वो दिन। और दूसरा जिस दिन एक्चुअल में मीटिंग है, वो 2 दिन काउंट नहीं करोगे डेट ऑफ मीटिंग, तो क्लियर डेज मानेंगे। और अगर तो मतलब 2 दिन एक्सक्लूड करेंगे, और अगर नोटिस पोस्ट से भेजी है तो एक्चुअल में टोटल मिला के 4 दिन एक्सक्लूड करेंगे। कितने दिन? 4 दिन, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जब हम पोस्ट से भेजते ना तो हम मानते हैं कि वो सभी सब होगी 48 आवर्स बाद में, तो 48 आवर्स तो वैसे ही काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पोस्ट में है। उसके बाद एक दिन जिस दिन वो नोटिस सर्व हुई है,
और एक दिन मीटिंग, ऐसे करके चार दिन एक्सक्लूड करेंगे। शॉर्ट में देखा जाए, शॉर्ट में देखा जाए अगर नॉर्मली मीटिंग ली है तो दो दिन एक्सक्लूड करेंगे, और अगर पोस्ट से मीटिंग हुई है तो बेटा चार दिन एक्सक्लूड करेंगे। पोस्ट से लिए तो कितने दिन, चार दिन एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लियर डेज नोटिस। बहुत बढ़िया। एक्सक्लूड द डे ऑन विच नोटिस इज सर्व एंड द डेट ऑफ मीटिंग, मतलब दो दिन। और अगर पोस्ट से भेजा है तो हम मानेंगे डीम टू बी सर्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। सर्व ही कब होगा, 48 आवर्स बाद में, तो 48 आवर्स हो गए फिर एक दिन सर्व होगा और एक दिन, तो चार दिन एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर ओमिशन टू सेंड नोटिस ऑन मिस्टेकन ग्राउंड दैट ही इज नॉट मेंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सीडेंटल ओमिशन। सुनना, इस पे केस स्टडी आ सकता है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी बन सकता है। कोई कंपनी का मेंबर है, प्लीज फोकस करना, कोई कंपनी का मेंबर है और आपने उसको नोटिस नहीं दी, और जब आपसे पूछा गया आपने नोटिस क्यों नहीं दी, तो आपने बोला हमें लगा वो हमारा मेंबर ही नहीं है, हमें लगा वो हमारा मेंबर ही नहीं है। सुनना बेटा, सुनना सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, आराम से सुनना कॉन्सेंट्रेट करके, कि एक्सीडेंटल ओमिशन, एक्सीडेंटल क्या हुआ है, ओमिशन हुआ है, और क्या क्या ग्राउंड था ओमिशन होने का, ग्राउंड क्या था कि भैया वो हमारा मेंबर ही नहीं है, लेकिन जबकि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, तो ये कोई सही ग्राउंड नहीं है, मीटिंग की पूरा इनवैलिड हो जाएगी, पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने नोटिस नहीं भेजी। एक व्यक्ति को अगर नोटिस नहीं भेजी और आपने रीजन क्या दिया, अरे वो हमारा मेंबर है हमको मालूम ही नहीं है, अरे भाई तुम्हारे पास रजिस्टर ऑफ मेंबर है, तुम मना, तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हमें पता नहीं है ये हमारा मेंबर है, क्योंकि यू हैव रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर सब लोगों का डिटेल है, तो यू कांट से, अरे आपने नोटिस भेजी है सामने वाले को मिली नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग बात है, लेकिन आपने भेजना, प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि मैंने नोटिस भेजी है, ठीक है सर। तो 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए। कितने दिन का नोटिस क्लियर होना चाहिए, बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे ना 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 ना, चलिए सो नोटिस एवरीबॉडी 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए, 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, या तो राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या तो किसमें होगा बेटा, राइटिंग में होगा या तो किसमें होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। क्लियर डेज बोला तो कितने दिन माइनस करते हो, दो दिन निकालते हो सर। अगर पोस्ट से भेजा है तो चार दिन निकालते हो, कितने दिन एक्सक्लूड करते हो, फोर डेज एक्सक्लूड करते हो। सर सुनो ना, हमने एक बंदे को नोटिस नहीं भेजी, हमको लगा वो हमारा मेंबर नहीं है, पूरा का पूरा मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा, ये रीजन नहीं दे सकते कि वो हमारा मेंबर नहीं है। सर सुनो ना, हमने नोटिस भेजी थी उसको मिली नहीं, वो बात अलग है, पोस्ट में रह गई, वो अपनी गलती नहीं, वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन आप ये ग्राउंड पे ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा मेंबर ही नहीं है, क्योंकि आपके पास रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना, आपके पास यू हैव मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड एज पर लॉ आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। तो अब जब आपके पास रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो वो हमारा मेंबर ही नहीं है, ऐसा हमें लगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शॉर्ट टर्म नोटिस की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, शॉर्ट टर्म नोटिस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म मतलब एनीथिंग लेस देन 21 डेज, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म नोटिस। एनीथिंग लेस देन क्या बोला गया, एनीथिंग लेस देन 21 डेज उसको बोलते हैं शॉर्टर नोटिस। कोई भी नोटिस जो आपने क्या किया है, कोई भी ऐसी नोटिस जो आपने 21 दिन से कम की दी है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टर नोटिस। तो शॉर्टर नोटिस पे आप मीटिंग बुला सकते हो। सर 10 दिन में मीटिंग बुला ली, बुला सकते हो। सर 5 दिन का नोटिस ही दिया, बुला सकते हो। शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस के लिए किसका अप्रूवल लगेगा देखते हैं। शॉर्टर नोटिस केस में एक तो है आपका एजीएम और दूसरा है आपका ईजीएम। शॉर्टर नोटिस मतलब समझ में आया क्या है? एनीथिंग लेस देन 21 डेज ना इज नोन एज शॉर्टर नोटिस। तो देखना एजीएम ईजीएम, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। कितने लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑब्टेन 95%। ओ माय गॉड, अगर आपको शॉर्टर नोटिस लेना है दोस्तों, अगर आपको शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कॉल करना है, किस पे, सॉरी शॉर्टर नोटिस पे अगर आपको मीटिंग कॉल करना है, तो 95% का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जितने भी आपके मेंबर है उन सब मेंबर से 95% मेंबर का अप्रूवल ले लो, फिर ही जाके शॉर्टर नोटिस बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब ईजीएम में अगर आपको शॉर्टर नोटिस पे बुलाना है, तो दो चीजें, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल।
कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में कैपिटल नहीं है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, मेजोरिटी इन नंबर, जितने भी आपके मेंबर है, अगर 50 मेंबर है तो 100 मेंबर है तो 51 मेंबर का अप्रूवल लेना है, मेजोरिटी इन नंबर। और वो जो मेजोरिटी है ना, होल्डिंग, वो कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग वोटिंग राइट्स। सो क्या बोला है, शॉर्टर नोटिस पे अगर आपको मीटिंग बुलानी है दोस्तों, शॉर्टर नोटिस पे अगर आपको मीटिंग बुलानी है तो आप बुला सकते हो। एजीएम में कितने लोग अप्रूव, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले प्रायर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूवल ले लो चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूवल ले लो चल जाएगा, लेकिन पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ही शॉर्टर नोटिस पे आप मीटिंग बुला सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ईजीएम तो ईजीएम में दो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कितने लोग अप्रूवल लेना, मेजॉरिटी इन नंबर्स, पहले तो नंबर में क्या होना चाहिए मेजॉरिटी, और दूसरा 95% ऑफ व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ईच नहीं है तो, नहीं है तो, क्लियर है क्या, दिस इज व्हाट बेटा आपका शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस है ना। ओके अब देखो यार कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होगा, तो डेट टाइम प्लेस प्रॉक्सी फॉर्म एजेंडा, मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी कैन अटेंड एजीएम, करेक्ट है ना, मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी कैन अटेंड व्हाट बेटा, कम ऑन एवरीबॉडी, मेंबर कैन प्रॉक्सी, मेंबर कैन व्हाट बेटा आपका, पर्सन और प्रॉक्सी कैन अटेंड जनरल मीटिंग, या तो वो खुद या तो उसका प्रॉक्सी वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस, किसको नोटिस देना है, किसको नोटिस देना है, अच्छा नोटिस कैसे दे सकते हो, हैंड, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट से दे सकते हो, कुरियर से दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो। लेकिन अगर देखो इसमें दो पॉइंट है, मोड ऑफ नोटिस, जब आप नोटिस भेजोगे ना तो कैसे दे सकते हो, सुनना अच्छे से, हैंड मतलब खुद जाके हैंड टू हैंड दे सकते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर, फैसिमिल और ईमेल, ये सब तरीके से दे सकते हो। लेकिन अगर रिक्विजिशन है ना तो या तो रजिस्टर पोस्ट से करो, या स्पीड पोस्ट से करो, या तो ईमेल से करो। अगर रिक्विजिशन है ना, रिक्विजिशन के केस में ये तीन ही तरीके चलेंगे, ये मोड है कैसे आप नोटिस दे दो ना, इसका तरीका है, नोटिस भेजने के तरीके की बात हो रही है, नोटिस भेजने के तरीके की बात हो रही है। तो अगर रिक्विजिशन है तो ध्यान रखना ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं चलेगा, मेन चीज ये याद रखना, अगर रिक्विजिशन से है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया सर, किस किस को नोटिस देना, एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस, कौन कौन बंदा है मेंबर जिसको नोटिस देना पड़ेगा, मेंबर अगर वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब मैं मेंबर बोलू ना तो दोनों, इक्विटी शेयर होल्डर भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, जब मैं मेंबर बोलूंगा तो दोस्तों दोनों यारों, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर भी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, फिर ऑडिटर को देना है और डायरेक्टर को देना है, मैड जो होता है ना उसको नोटिस जाता है, MAD, M फॉर व्हाट, मेंबर। सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नोटिस जाएगी, हाँ। सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करेंगे, हाँ। सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेंगे, ना। सर ऑडिटर को जाएगा, यस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जाएगा, डी फॉर व्हाट, डायरेक्टर। अच्छा SS2 क्या बोलता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 ने क्या बोल दिया है कि एडिशनल एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस, तो सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी नोटिस देनी है, डिबेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस देनी है, और अदर इसको भी नोटिस देनी है, ठीक है, मोड ऑफ नोटिस, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका 101 पूरा खत्म, 101 हमने खत्म कर दिया है। चलिए लेट्स रिवाइज 101, लेट्स रिवाइज 101 सेक्शन, बताइए को हम रिवाइज करते हैं दोस्तों। बैठिए, नोटिस की अगर हम बात करें, कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, कितने दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, तो सर 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। सर क्लियर डेज मतलब कितने दिन एक्सक्लूड करूं, दो दिन एक्सक्लूड कर मुन्ना बालक, दो दिन एक्सक्लूड कर, क्लियर डेज मतलब कितने दिन एक्सक्लूड करेगा, दो दिन एक्सक्लूड कर, बहुत बढ़िया कर दो दिन एक्सक्लूड, कोई दिक्कत नहीं, दो दिन एक्सक्लूड कर दिया। जब सर हम बात कर रहे हैं दो दिन, अगर पोस्ट से भेजा है तो चार दिन एक्सक्लूड करना है, पोस्ट से भेजा है तो कितने दिन एक्सक्लूड करना है बेटा, चार दिन एक्सक्लूड करना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर शॉर्टर नोटिस पे नोटिस दे सकते हैं क्या, शॉर्टर नोटिस दे सकते हो,
एनुअल जनरल मीटिंग है तो कितने लोगों का अप्रोवल चाहिए? 95% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर। सर ईजीएम है तो दो सिचुएशन, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेजोरिटी नंबर्स एंड होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 95% ऑफ वोटिंग पावर। सर नोटिस के अंदर क्या होगा? डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा प्रॉक्सी प्रॉक्सी फॉर्म ये सब नोटिस में होगा। सर नोटिस कैसे देनी है? ऑर्डिनरी पोस्ट स्पीड पोस्ट नॉर्मल पोस्ट कुरियर फैक्स ईमेल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर रिक्विजिशन है ना तो वो ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं दे सकते। मीटिंग अगर रिक्विजिशन ने बुलाई है ना तो ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर मुझे बताइए सर जो एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस नोटिस किस किस को जाएगी? तो जो मैड होता है उसको नोटिस जाएगी। एम फॉर व्हाट? मेंबर। मेंबर इंक्लूड्स बोथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर। ए फॉर व्हाट? ऑडिटर। ए फॉर व्हाट बेटा? आपका ऑडिटर। एंड डी फॉर व्हाट बेटा? आपका डायरेक्टर। अब SS2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? SS2 मतलब क्या होता है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? सुनना आराम से, एक्सक्यूज मी, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 बोलता है, SS2 बोलता है कि आपको और सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी नोटिस देनी पड़ेगी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को भी नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस देनी पड़ेगी। ओके सर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 102 102 बोलता है रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं सॉरी स्पेशल बिजनेस रिक्वायर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं बोला है मैंने, स्पेशल बिजनेस। जब भी आप स्पेशल बिजनेस करोगे ना, स्पेशल बिजनेस मतलब क्या? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। स्पेशल बिजनेस मतलब क्या बेटा? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के अगर कोई काम करते हो आप, ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के अगर कोई आप काम करते हो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल बिजनेस। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल बिजनेस। यस और नो? हाँ सर। तो स्पेशल बिजनेस के लिए प्लीज, स्पेशल बिजनेस जब भी आप करोगे ना तो उस स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको ज्वाइन करना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब उस बिजनेस को आपको समझाना है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने लोग इंटरेस्टेड है, ये सब उसको बताना है। स्पेशल बिजनेस के अंदर ये बताना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। क्या देना है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या? आप क्यों कर रहे हो, है ना, उसका रीजन क्या है करने का, कितने लोग इंटरेस्टेड है। अच्छा इंटरेस्टेड है तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट उसका है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, है ना। कितने डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड है क्या, ये सेक्शन 102 में बोला गया है। स्पेशल बिजनेस के साथ आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना है नोटिस के साथ, मतलब जब नोटिस आएगी ना 21 दिन पहले उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना है। नाम भी है एक्सप्लेनेटरी, ये एक्सप्लेन करेगा कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है, एवरीथिंग। चलिए बहुत बढ़िया। सो ऑर्डिनरी के अलावा जो होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। अब आते हैं हम लोग 103 पे, कोरम। बाबू कोरम कोरम की बात कर रहे हैं, कोरम 103। चलिए 96 से स्टार्ट किया था, 96 किसका है? एजीएम का। 97 किसका है? एजीएम बाय एनसीएलटी। 98 किसका है? ईजीएम बाय एनसीएलटी। 99 किसका है? पेनल्टी। 100 किसका था? ईजीएम। 101 किसका था? नोटिस। 102 किसका है? स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दो मिनट के लिए आपकी सांसें खोल देता हूं, है ना, सुकून से सांसें ले लो, कमेंट बंद कर दी ना आप, ले लो सांसें, ले लो दो मिनट के लिए सांसें ले लो बेटा। मानसी बोले सर प्लीज कोट निकाल के पढ़ाओ, हे भगवान। 3 मंथ्स भी लावण्य बेटा, 3 मंथ्स 3 महीने। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सुपर। चलो एक दो लाइनें सुनाऊंगी आपको, मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, एक दो लाइनें सुनाऊं आपको, बहुत ही बेहतरीन दो लाइनें सुनाता हूं आपको, बहुत ही बेहतरीन दो लाइनें सुनाता हूं आपको कि ये अलग बात है कि वो मुझे हासिल नहीं, ये अलग बात है कि वो मुझे हासिल नहीं, मगर उनके सिवा कोई मेरे इश्क के काबिल नहीं। सुनो सुनो सुनो, वापस से सुनना अच्छे से, वापस से सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। क्या बोला है? सुनना आराम से, कॉन्सेंट्रेट करना, सुनना सुनना। क्या बोला है? कि वो ये अलग बात है कि वो मुझे हासिल नहीं, ये अलग बात है कि वो मुझे हासिल नहीं है, मगर उनके सिवा कोई मेरे इश्क के काबिल नहीं है। हाय ये अधूरा इश्क, हाय ये अधूरा इश्क, हाय ये अधूरा इश्क,
चलो बहुत बढ़िया। चलो सेक्शन 103 कर लेते हैं, आ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो बस बस बहुत कमेंट कर रहे हो। 103 की अगर हम बात करें, 103 किसके बारे में बात कर रहा है? 103 इज टॉकिंग अबाउट द कोरम। 103 किसकी बात करता है बेटा? कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। मतलब कम से कम इतने लोग होने चाहिए, कम से कम इतने लोग होने चाहिए तभी जाके मीटिंग वैलिड होगी, अदरवाइज मीटिंग वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मीटिंग अगर वैलिडली लेनी है ना तो कोरम होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। कोर्ट नहीं उतार सकते समझो अंदर से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। SS2 नहीं, SS2 में सेक्रेटरियल ऑडिटर बोला है बेटा, SS2 में सेक्रेटरियल ऑडिटर बोला है। अच्छा एक शायरी है, तृष्णा ने बोले कि इश्क की खुली किताब हूं मैं, तुम्हें समझ क्यों ना आया, सारे पन्ने भरे पड़े हैं, तुम्हें नाम अपना पढ़ना क्यों ना आया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कीर्ति बेटा ए फॉर ऑडिटर, स्टैचुटरी ऑडिटर। स्टैचुटरी मतलब कौन सा? फाइनेंशियल ऑडिटर, है ना। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सांसें आपकी खोल दी थी मैंने, फिर से मैं आपकी सांसें बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, वापस से घुटन होगी आपको, गला ऐसा लगेगा कि आपका बांध दिया गया है। आइए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन व्हाट जनरल मीटिंग। तो अब 103 की अगर हम बात करें, 103 की अगर हम बात करें तो अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं है। कोरम में अब दो यार, एक तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और दूसरा यार पब्लिक कंपनी। एक तो आपका प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या है दोस्तों? पब्लिक कंपनी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो टू मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। जब पर्सनली प्रेजेंट की बात करते ना, टू मेंबर पर्सनली, पर्सनली की बात जब हम करते ना, जब हम पर्सनली प्रेजेंट की बात करते ना, पर्सनली, पर्सनली आया आदमी, है ना, खुद आया है, मतलब प्रॉक्सी नहीं आएगा यहां पे। प्रॉक्सी आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। प्रॉक्सी को हम काउंट नहीं करेंगे, दो लोग वो खुद होने चाहिए, दो लोग वो खुद होने चाहिए। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, कॉन्सेंट्रेट करना, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो अप टू 1000 मेंबर, 1000 मेंबर तक, अप टू 1000 मेंबर तक आपको 15 मेंबर, 15 मेंबर चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। सॉरी 15 बोल रहा हूं, 5 मेंबर चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, 15 काम कर रहा हूं, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अप टू 1000 मेंबर कितने होने चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली मतलब समझ लो खुद होने चाहिए, प्रॉक्सी काउंट नहीं होंगे, प्रॉक्सी काउंट नहीं होंगे। चलिए सर, 1001 से लेके 5000 तक अगर मेंबर है तो 15 मेंबर होने चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। कितने? 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और अगर मोर देन 5000 मेंबर है, मोर देन 5000 मेंबर है तो 30 मेंबर होने चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। कितने? 30 मेंबर होने चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। तो देखिए यार आराम से, पब्लिक कंपनी एंड सेकंड वन इज व्हाट बेटा? आपका प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें, टू मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ओके सर। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम कितने होने चाहिए? 5 मेंबर होने चाहिए। अप टू 1000 की अगर बात करूं तो 5 लोग होने चाहिए, 5 लोग पर्सनली होने चाहिए। 1001 से लेके 5000 तक 15 मेंबर होने चाहिए, और मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए बेटा आपका? 30 मेंबर होने चाहिए। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या हायर नंबर स्पेसिफाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका हायर नंबर ऑफ कोरम स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन इससे लोअर नहीं जाओगे। बहुत बढ़िया। यहां पे देखना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर, गवर्नर स्टेट का गवर्नर होता है, या प्रेसिडेंट, है ना, भारत का प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको हम मेंबर मानेंगे, उनको हम मेंबर ट्रीट करते हैं, और वो काउंट होते हैं कोरम में। कौन? रिप्रेजेंटेटिव। मैं प्रॉक्सी नहीं बोल रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूं। किसके रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव बोलो जल्दी से? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव किसके? रिप्रेजेंटेटिव किसके बेटा? गवर्नर के।
या तो रिप्रेजेंटेटिव किसके बेटा, गवर्नर के, या तो रिप्रेजेंटेटिव किसके, प्रेसिडेंट के या बॉडी कॉर्पोरेट के, उनको हम मेंबर मानते हैं, उनको मेंबर मानते हैं, सो दे विल बी काउंटेड फॉर द कोरम, कोरम में काउंट होंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर आर काउंटेड सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। ज्वाइंट शेयर होल्डर मतलब मैं और मोदी सर मिलकर शेयर होल्ड करते हैं, मैंने और मोदी सर ने बहुत काम साथ में किए बेटा, नहाना धोना सोना खाना पीना बहुत सारा काम हमने साथ में किया है, तो यहाँ पे शेयर्स भी हमने साथ में होल्ड किए हैं, ज्वाइंट शेयर होल्डर है हम, ज्वाइंट शेयर होल्डर है हम, तो दोस्तों बताइए सेपरेट होंगे? हाँ तो मित्रों सेपरेट काउंट होंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर सेपरेट काउंट होते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टेड मेंबर आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम बट कैन नॉट वोट ऑन पर्टिकुलर बिजनेस। हाँ इंटरेस्टेड मेंबर जो है, जो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड है, दे आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, कोरम में वो काउंट होंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होते हैं, याद रखना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होते हैं लेकिन इंटरेस्टेड मेंबर काउंट होते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होते हैं लेकिन इंटरेस्टेड मेंबर काउंट होते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं ना बोर्ड मीटिंग में, वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन ये जनरल मीटिंग की बात चल रही है, तो मेंबर जो है, इंटरेस्टेड मेंबर आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। ठीक है सर। वन पर्सन कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पर्सन का क्या बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। He will be counted separately if one or more individual present at the meeting. अगर उसके साथ एक और व्यक्ति आ जाए ना तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूं आपको, एक कंपनी था, लेट्स से रिलायंस कंपनी, जिसके अंदर एक मेंबर यहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, शुभम अब्बट रिप्रेजेंटेटिव है, किसका, बॉडी कॉर्पोरेट का, पांच बॉडी कॉर्पोरेट का, ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का, सी लिमिटेड का, डी लिमिटेड का और ई लिमिटेड का। सुनना, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, क्या रिप्रेजेंटेटिव काउंट होते हैं? क्या रिप्रेजेंटेटिव किसके हो सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं प्रेसिडेंट के, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं गवर्नर के, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं आपके बॉडी कॉर्पोरेट के। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ यह है दोस्तों कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्या है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव है, मैं पांच व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं एक काउंट होगा या पांच काउंट होगा? तो भाई साहब मैं पांच काउंट होगा, मुझे पांच अलग काउंट किया जाएगा, पांच अलग मैं काउंट होगा। अगर मैं अकेला आया हूं, कोरम में पांच लोग चाहिए और मैं अकेला आया हूं, मैं पांच लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, अगर साथ में मेरे एक कोई भी इंडिविजुअल भी होगा ना, साथ में मेरे कोई भी एक इंडिविजुअल होगा ना, तो भी मीटिंग वैलिड हो जाएगी, तो भी मीटिंग क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, क्योंकि मैं पांच काउंट होगा। मैं कितने काउंट होगा दोस्तों, एक काउंट नहीं होगा, मैं कितने काउंट होगा यारो, पांच अलग काउंट होगा। अच्छा सर, वेरी गुड सर। सो देखिए क्या बोला गया, सो काउंटेड सेपरेटली, कोरम प्रॉक्सी आर नॉट काउंटेड, है ना। अब कोरम प्रेजेंट ही नहीं है, अब कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा बताइए, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे बताओ, हम इंतजार करेंगे, आधे घंटे का इंतजार करेंगे, हाफ एन आवर का हम इंतजार करेंगे बेटा, आधे घंटे तक अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, हाफ एन आवर का इंतजार होगा, आधे घंटे का इंतजार होगा, लेकिन आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आया, कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी। अब उसमें दो सिचुएशन, हाफ एन आवर का इंतजार कितना होगा, हाफ एन आवर का। बहुत बढ़िया। तो अगर हम कोरम नहीं आया, कितने मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर, दो सिचुएशन, एक तो आपका नॉर्मल मीटिंग है और एक आपका मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशन है। रिक्विजिशन मतलब सालो, तुमने बुलाया और तुम नहीं आए, बुड़वक इंसान, ढोकला इंसान, तुम खुद बुला रहे हो और तुम खुद मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तुम खुद बुला रहे हो लेकिन तुम खुद मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो मीटिंग हो जाएगी कैंसल, मीटिंग हो जाएगी कैंसल, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। हाँ अगर कोई अदर रीजन है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, मतलब दूसरों किसी ने मीटिंग बुलाई है तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, अगले हफ्ते में। और कोई अगर प्लेस में अगर कोई चेंज हुआ है, डेट में चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर देंगे। तो क्या बोला है, मीटिंग के केस में, किसके केस में, मीटिंग के केस में अगर कोरम आधे घंटे तक कोरम नहीं आया, हाफ एन आवर का वेट होगा बेटा, हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आया बेटा, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। मीटिंग क्या हो जाएगी बाबू, एडजर्न हो जाएगी। कब एडजर्न होगी, नेक्स्ट वीक में, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे नेक्स्ट वीक में, या उसमें कोई चेंजेस हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता देंगे। और अगर मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजनिस्ट है,
अगर रिक्विजनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। हाँ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ भी चेंज किया तो एटलीस्ट 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बाय वे ऑफ व्हाट न्यूज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। अगर आपने क्या किया दोस्तों, चेंज किया है, अगर आपने क्या किया दोस्तों, चेंज किया है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोरम इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग, अब सुनो, कोरम इन केस ऑफ व्हाट एडजर्न मीटिंग मतलब क्या हुआ है, मीटिंग कोरम की वजह से एडजर्न हुई है। मीटिंग सुनो, ओरिजिनल मीटिंग थी, कोरम नहीं आया, मीटिंग एडजर्न हो गई, अब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो एटलीस्ट कोरम 2 ही बोला जाएगा। हमने कोरम क्या पढ़ा, 5, 15, 30, अगर अप टू 1000 है तो 5 मेंबर, 1000 से ज्यादा है तो 15 मेंबर, और 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर होने चाहिए, लेकिन कोरम ही नहीं है, 5 लोग चाहिए थे कोरम में, नहीं आए, तो मीटिंग क्या हो रही है, एडजर्न हो रही है। अब एडजर्न मीटिंग का कोरम क्या होगा, तो एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। एडजर्न हुई है किसकी वजह से, कोरम की वजह से, तो 5 का मत करना। अब एडजर्न मीटिंग एडजर्न क्यों हुई है, कोरम की वजह से ही एडजर्न हुई है, तो इस बार एडजर्न मीटिंग में 2 कोरम, 2 लोग चाहिए हमको सिर्फ, एडजर्न मीटिंग में 2 कोरम चाहिए। अगर मीटिंग कोई और रीजन की वजह से एडजर्न हुई है, तो जो ओरिजिनल कोरम इज रिक्वायर्ड, मतलब समझो ये ओरिजिनल मीटिंग है, सुनो, ओरिजिनल मीटिंग 2 सिचुएशन, एक तो कोरम नहीं है, ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न क्यों हुई है, ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न क्यों हुई है, कोरम नहीं था, या दूसरा अदर रीजन। ठीक है, अगर कोरम नहीं था तो जो एडजर्न मीटिंग है उसके अंदर अगर 2 लोग भी आएंगे ना तो मीटिंग वैलिड मान लेंगे, लेकिन कोई और रीजन की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई है, कोरम की वजह से मीटिंग आगे नहीं बढ़ी है। और रीजन क्या हो सकते हैं, सर एक्चुअल में एकदम से क्या हो गया, न्यूज आ गया, बॉम्ब है, मीटिंग एडजर्न कर दी हमने, कि जाओ जाओ भागो भागो शेयर होल्डर, भाग जाओ, बॉम्ब है, एकदम से शेयर होल्डर को हार्ट अटैक आ गया, अटैक, अगली बार करेंगे। कोई और रीजन की वजह से अगर मीटिंग पोस्टपोन हुई है तो ओरिजिनल कोरम मतलब क्या, तो यहां जब मीटिंग एडजर्न हुई तो कोरम, ओरिजिनल कोरम कितना था, 5, तो यहां पे 5 लोग लगेंगे। अगर कोरम की वजह से एडजर्न हुई है तो 2 लोगों से काम कर लेंगे, 2 लोगों से काम चला लेंगे। सो देखिए, इफ एडजर्न इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरम, कोरम की वजह से, तो प्रेजेंटेड मेंबर शैल फॉर्म द वैलिड कोरम। इफ मीटिंग इज एडजर्न बिकॉज ऑफ अदर रीजन की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई है तो ओरिजिनल कोरम इज रिक्वायर्ड। रिजोल्यूशन पास एट द एडजर्न मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज पास ऑन द डे वॉज एक्चुअली पास एंड नॉट ऑन अर्लियर डे। फर्स्ट को मीटिंग थी, मीटिंग एडजर्न होके 7 तारीख को चली गई, तो रिजोल्यूशन किस दिन पास हुआ, 7 को, जिस दिन इट वॉज एक्चुअली पास्ड, नॉट अर्लियर डेट। इवन अ सिंगल मेंबर बाय पर्सन एंड प्रॉक्सी कैन होल्ड वैलिड मीटिंग इफ डायरेक्टेड बाय एनसीएलटी, इफ डायरेक्टेड बाय व्हाट बेटा, आपका एनसीएलटी। डन, क्या बहुत बढ़िया। चलिए, सेक्शन हमने कौन सा कंप्लीट कर दिया, 103 कंप्लीट कर दिया। आओ एक बार 103 को पूरा रिवाइज करते हैं। आओ, 103 को रिवाइज करेंगे। अगर मैं बात करूं कोरम की दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरम, कोरम मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट व्हाइल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, व्हाइल कॉन्स्टिट्यूट अ व्हाट बेटा, आपका वैलिड मीटिंग। मीटिंग लेने के लिए कम से कम इतने लोगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके सर, कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं होगा। सर, प्रॉक्सी आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, आंसर इज नो, प्रॉक्सी आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। सर, रिप्रेजेंटेटिव काउंटेड। सर, जॉइंट मेंबर सेपरेटली काउंट होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर, क्या है कोरम दोस्तों? तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी एंड द सेकंड वन इज व्हाट, पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ व्हाट एवरीबॉडी, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी का कोरम होगा मिनिमम 2% पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक कंपनी का कोरम क्या होगा, 5, 15, 30, अप टू 1000 मेंबर, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, अबव 1000 बट अप टू 5000 है तो मिनिमम 15%, और अबव 5000 है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, प्रॉक्सी नॉट काउंटेड, रिप्रेजेंटेटिव काउंटेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर आपका बॉडी कॉर्पोरेट, काउंटेड। सर, एक से ज्यादा व्यक्ति का आप रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, यस, थम्स अप। तो सर, एक काउंट होंगे या मल्टीपल काउंट होंगे। अगर मैं 10 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैं 10 काउंट होऊंगा।
मैं अकेला आया हूं मीटिंग में, क्या मीटिंग हो पाएगी? बस एक इंडिविजुअल साथ में होना चाहिए, इंडिविजुअल साथ में होना चाहिए, मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। इंटरेस्टेड मेंबर आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। सर कोरम का कितने देर तक इंतजार करेंगे? इंतजार इंतजार इंतजार, कोरम का कितना इंतजार करेंगे? सो अगर हम बात करें कोरम के इंतजार की दोस्तों, तो कोरम में हम 30 मिनट का इंतजार होगा, 30 मिनट का इंतजार होगा, 30 मिनट तक का इंतजार होगा। अगर 30 दिन 30 मिनट में कोरम नहीं आया तो दो सिचुएशन, दो मीटिंग कॉल्ड बाय अदर पर्सन, मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशन, रिक्विजिशन से मीटिंग कैंसिल, अदर पर्सन से एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। बहुत बढ़िया। नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग अगर सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, बट उसमें भी कोई भी अगर वो चेंजेस करता है तो एटलीस्ट 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सर कोरम इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग, मीटिंग एडजर्न के होने के बाद का उस एडजर्न मीटिंग में कोरम क्या है? तो पूछ पहले, तू पूछ पहले मीटिंग एडजर्न क्यों हुई है, पहले पूछ अपने आप से मीटिंग एडजर्न क्यों हुई है। सर मीटिंग एडजर्न हुई है एक्चुअली कोरम की वजह से, तो जो एडजर्न मीटिंग है उसके अंदर दो लोग चाहिए। मीटिंग एडजर्न हुई है बिकॉज ऑफ अदर रीजन, तो जो ओरिजिनल मीटिंग का कोरम था ना वही होना चाहिए। सर रिजोल्यूशन किस दिन से इफेक्टिव होगा? व्हेन व्हाट व्हेन इट वाज एक्चुअली पास्ड, जब वो एक्चुअली पास हुआ उस दिन से। बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन 104 चेयरपर्सन की बात करें। सेक्शन 104 किसकी बात करें? कम ऑन एवरीबॉडी, सेक्शन 104 की हम बात करें चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन का नाम कहां लिखा होगा? तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरपर्सन का नाम लिखा होगा। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहां लिखा होगा दोस्तों? चेयरपर्सन का नाम लिखा होगा, करेक्ट है। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन का नाम लिखा होगा। बहुत बढ़िया। अगर नहीं लिखा आर्टिकल में तो प्रोसीजर लिखी होगी, और अगर प्रोसीजर नहीं लिखी है तो मेंबर क्या करेंगे? वन ऑफ देम शैल इलेक्ट, क्या क्या करेंगे हम लोग, वन मेंबर क्या करेंगे, अपने आप में से एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे एज अ चेयरमैन। बाय शो ऑफ हैंड, हाथ दिखाओ चेयरमैन अपॉइंट करो, हाथ दिखाओ चेयरमैन अपॉइंट करो। सुनो आराम से, थोड़े देर की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। सुनना आराम से, एकदम अच्छे से आपको एक किस्सा बताता हूँ अभी। आशीष सर का क्या, वो आवाज नहीं आ रही क्या? ब्रेक चाहिए क्या? चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, सुसु ब्रेक ले लो। चलो जाओ सुसु ब्रेक ले लो 2 मिनट का, फिर आने के बाद आशीष सर का किस्सा सुनाता हूँ आपको। 2 मिनट का सुसु ब्रेक ले लो, जाओ।
हाँ जी, तो किस्सा सुनाता हूँ आपको आशीष सर का क्या हुआ। अभी 3-4 दिन पहले ही आशीष सर आए, एक दिन की बात है, आशीष सर आए और एकदम नाइट पैंट वगैरह पहन के एकदम से, नहीं क्या मतलब क्या हो गया एकदम से, कैसे क्या, और ठीक है आए तो आए, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ में एक व्यक्ति को लेके आए। मैंने बोला पता नहीं कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, इंटरव्यू वगैरह होगा या कोई टेक्निकल पर्सन वगैरह होगा, उसका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके लिए लेके आए। और मैं पढ़ा रहा था तो मेरे को बोला कि चेयर ले लूँ तेरी, मैंने बोला हाँ ले लो चेयर, तो चेयर लेके गए। और मैं जब बाहर बालकनी में जाके देखता हूँ, बाहर बालकनी में जाके देखता हूँ ना, तो सर क्या कर रहे हैं, सर बाल कटा रहे हैं। ओ भाई मुझे मुझे इतना हंसा होगा, मतलब सर कितने से बाल है, कितने से तो बाल हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। सर बालकनी में क्या कर रहे हैं, बाल कटा रहे हैं। अरे 2 मिनट अब हुआ क्या, मजा क्या, मैं बस जब उनको देखा और एक बस लेक्चर स्टार्ट किया ही था और वो बंदा बाहर जाते दिखा, मतलब हो गया। मतलब कुछ कुछ एक हार्डली 1 मिनट लगा होगा, बाल खत्म। भाई साहब मैं बोलो सर क्या क्यों पैसे लगा रहे हो, उसको 300 रुपए दिए हैं। मैं बोला सर मेरे को है ना 200 देते ना, मेरे को 200 रुपए देते थे ना, मैं आपको काम कर दिया होता, 200 रुपए कमा लिया होता सर मैंने, क्यों बाल काटने के लिए आपने पैसे दिए हैं यार, 4 बाल काटे बताओ। होता है देखो यार, शौक बड़ी चीज है। चलिए अब अपन चेयरमैन की बात। हाँ, अगर चेयरमैन की बात हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट बेटा, आपका चेयरमैन की बात हो रही है तो कॉन्सेंट्रेट करना, चेयरमैन कौन होगा, तो चेयरमैन का नाम कहां लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन का नाम लिखा होता है, कहां नाम लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन का नाम लिखा होता है। ओके सर, या फिर उसको अपॉइंट करने की प्रोसीजर कहां लिखी हुई है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी प्रोसीजर भी लिखी हुई है, बहुत बढ़िया। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो चेयरमैन को अपॉइंट कैसे करेंगे, बाय शो ऑफ हैंड, हाथ दिखा के हम अपॉइंट कर लेंगे। मेंबर क्या करेंगे, मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर क्या करेंगे, चेयरमैन को अपॉइंट कर लेंगे। ओके 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंबर चेयरमैन क्या कर सकते, जनरली मेंबर इलेक्ट द चेयरमैन, बट आर्टिकल अगर प्रोवाइड करेगा तो वो डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं चेयरमैन को, लेकिन नॉर्मली मेंबर ही अपॉइंट करते हैं। बहुत बढ़िया, चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड शैल कंटिन्यू बी टू बी चेयरमैन फॉर द रिमेनिंग ऑफ मीटिंग। अच्छा, लेकिन चेयरमैन के लिए अगर पोल डिमांड हो गया, व्हाट इज पोल, राइटिंग में वोट करना, पोल मतलब राइटिंग में वोट करना, तो चेयरमैन को हमने अपॉइंट किया लेकिन किसी व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नहीं चेयरमैन ऐसे अपॉइंट मत करो, हाथ दिखा के शो ऑफ हैंड से अपॉइंट मत करो, हमें पोल, मैं पोल डिमांड करता हूं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, इट शैल बी टेकन इमीडिएटली, तुरंत आपको पोल लेना है, तुरंत आपको क्या लेना है, पोल लेना है। तो अगर पोल डिमांड किया है, पोल डिमांड किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए अगर पोल डिमांड कर लिया गया है तो इट शैल बी टेकन इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली क्या लेना पड़ेगा बेटा, पोल लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, पोल कैन बी डिमांडेड बाय मेंबर और प्रॉक्सी, इफ चेयरमैन विल विद इन, चेयरमैन इज नॉट नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, तो वन ऑफ डायरेक्टर एक्ट एज अ चेयरमैन, और अगर डायरेक्टर भी रेडी नहीं है तो क्या करेंगे, मेंबर जो है, मेंबर में से हम लोग क्या कर देंगे, चेयरमैन को अपॉइंट कर देंगे। करेक्ट है, और बोला इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी चेयरमैन शल नॉट क्या बोला गया है, शल नॉट वोट इन द रिजोल्यूशन इन विच ही इज वोट, बेटा आपका शल नॉट चेयर, करेक्ट, शल नॉट प्रपोज एनी रिजोल्यूशन इन विच ही इज इंटरेस्टेड, हाँ जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है, चेयरमैन जिसमें खुद वो इंटरेस्टेड है ना, वो रिजोल्यूशन को वो पुट नहीं करेगा और वो वोट भी नहीं करेगा, कौन आपका, चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन सेक्शन 10 कर लो, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, चेयरमैन सेक्शन 104 अपन खत्म कर लेते हैं जल्दी से, एकदम छोटा सा पॉइंट था, चेयरमैन का नाम कहां लिखा होता है, तो नेम मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एकदम कंफर्टेबल होके बोलिए, चेयरमैन का नाम कहां लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है तो क्या करो, आर्टिकल में प्रोसीजर होगा, अगर प्रोसीजर भी नहीं दिया है तो मेंबर क्या करेंगे, वन ऑफ देमसेल्फ शैल इलेक्ट चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड, किसे, शो ऑफ हैंड से अपॉइंट करते हैं। अच्छा, नॉर्मली मेंबर ही चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल में डायरेक्टर बोला है तो डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, अगर पोल डिमांड हुआ है मतलब शो ऑफ हैंड से हमने चेयरमैन डिमांड, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर लिया, शो ऑफ हैंड मतलब हाथ काउंट कर लेंगे,
मेजोरिटी लोग जो बोलेंगे उसको हम अपॉइंट कर देंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने क्या डिमांड कर लिया, पोल डिमांड कर लिया है, इट शैल बी टेकन इमीडिएटली। और रिमेनिंग मीटिंग के लिए चेयरमैन कौन होगा? जो पोल से आया हुआ है, जो पोल से आया हुआ है। चेयरमैन सर कितने मिनट का इंतजार होगा? चेयरमैन का इंतजार होगा 15 मिनट का। चेयरमैन का इंतजार हम कितने मिनट करेंगे? सिर्फ 15 मिनट के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर 15 मिनट के अंदर चेयरमैन, दोस्तों 15 मिनट के अंदर अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नए चेयरमैन को अपॉइंट कर लेंगे। डायरेक्टर क्या करेंगे? उन अपने में से एक को अपॉइंट कर लेंगे चेयरमैन। सर डायरेक्टर अनविलिंगनेस है, सारे डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं नहीं हम नहीं आओगे, तो मेंबर, वन ऑफ द मेंबर क्या बनेगा? चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, जो चेयरमैन है ना जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है, चेयरमैन अगर खुद किसी में अगर इंटरेस्टेड है ना, तो उस केस में वो बंदा वो रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं करेगा, वो रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी मींस अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन द प्लेस ऑफ व्हाट बेटा? मेंबर। मेंबर के पास राइट है कि वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं? प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। मेंबर के पास क्या है दोस्तों? राइट है कि वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं? प्रॉक्सी। तो मीटिंग अटेंड अगर करनी है, मीटिंग अगर मेंबर खुद से मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो मेंबर के बिहाफ पे कौन आ सकते हैं बेटा? एज पर सेक्शन 105 कौन आ सकता है? प्रॉक्सी आ सकता है। मेंबर के बिहाफ पे कौन मीटिंग अटेंड कर सकता है बेटा? तो एज पर सेक्शन 105 कौन आ सकता है? प्रॉक्सी आ सकता है। प्रॉक्सी मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मेंबर टू अटेंड द जनरल मीटिंग। प्रॉक्सी कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसको मेंबर ने अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए। सर प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए क्या? प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। प्रॉक्सी को मेंबर होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दो तो ठीक है। तो प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर, प्रॉक्सी मेंबर होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई थर्ड पार्टी को मेरे पड़ोसी को भेज दिया एज अ प्रॉक्सी चलेगा, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी क्या होना चाहिए दोस्तों? मेंबर ही होना चाहिए। प्रॉक्सी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एओए परमिट। एक्सेप्ट व्हाट? एओए परमिट। क्या बोला? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी व्हाट बेटा आपका? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी में क्या नहीं है बोलो जल्दी से? शेयर कैपिटल नहीं है। सो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी एक्सेप्ट एओए परमिट। अगर आर्टिकल में परमिट दिया तो ही अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर प्रॉक्सी क्या कोरम में काउंट होगा? आंसर इज नो। सर प्रॉक्सी को बोलने का पावर है? आंसर इज नो। सर प्रॉक्सी वोट कर सकता है? आंसर इज नो। ही इज लाइक तुषार कपूर, ओ मायो ओ, सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, वोट नहीं करना है, और कोरम में भी काउंट नहीं होगा। सो देखिए, प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, नॉट अलाउड टू स्पीक एंड वोट अनलेस पोल इज डिमांडेड। हाँ, अगर पोल डिमांड हुआ उस केस में वो वोट कर सकता है, बाकी उसके पास वोटिंग पावर नहीं है। अगर पोल डिमांड हुआ है उस केस में वो वोट कर सकता है, बाकी उसको क्या नहीं दिया बेटा? वोटिंग पावर नहीं दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, सुपर सुपर, एकदम यू आर डूइंग ग्रेट, जोरदार जा रहे हो बेटा। सो प्रॉक्सी की बात करें, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, ये कंपनी को भी तो पता होना चाहिए। आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, ये कंपनी को भी तो पता होना चाहिए। तो आपको कंपनी को एडवांस में बताना है कि हमने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया है। ये एडवांस में आपको कंपनी को बताना है, प्रॉक्सी फॉर्म के जरिए कंपनी को एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। दैट फॉर्म इज नोन एज व्हाट? प्रॉक्सी फॉर्म। एडवांस में आपको इंटीमेशन देना है कंपनी को कि भैया मैं तो नहीं आऊंगा, मेरी जगह कोई और आ रहा है, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरी जगह कोई और आ रहा है। तो एडवांस इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा, वो भी कितने घंटे पहले? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। वो भी कहां डिपॉजिट करना है? रजिस्टर ऑफिस में। क्या डिपॉजिट करना है? प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना है। तो प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट कितने दिन पहले? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग कहां पे डिपॉजिट कर दो? एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहां डिपॉजिट करोगे बेटा? एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में आप डिपॉजिट करो। ओके सर। क्या सर आर्टिकल में लिखा जा सकता है लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स? आंसर इज नो। आर्टिकल कैन नॉट प्रिस्क्राइब लॉन्गर पीरियड। आर्टिकल में ऐसा नहीं लिख सकते कि 5 दिन पहले प्रॉक्सी दो, 10 दिन पहले प्रॉक्सी दो। लॉन्गर पीरियड आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। शॉर्टर पीरियड कैन स्पेसिफाई। आप कम टाइम दे सकते हो, आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना? आप कम टाइम दे सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। तो लॉन्गर पीरियड सुनना अच्छे से। आर्टिकल क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? आर्टिकल में कैन नॉट स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स। अगर आर्टिकल में 6 दिन लिख दिया, 6 दिन पहले प्रॉक्सी देना है, तो उसको हम ऐसा ही ट्रीट करेंगे कि भैया वो 48 आवर्स है ना? 48 आवर्स मतलब दो दिन पहले, ठीक है? प्रॉक्सी कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ 50 मेंबर। 50 लोगों का एक बंदा 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। एक बंदा 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। कैन यू इमेजिन, मैं 50 लोगों की जगह पे प्रॉक्सी बन के जा सकता हूँ? ओहो हो भाई साहब, एक नंबर। आहा।
एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है यारो, तो 50 लोगों का एक व्यक्ति प्रॉक्सी बन सकता है. सो पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ 50% एंड होल्डिंग 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल. या तो 50 लोगों का, या तो उसके पास कितना 10% ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स. अच्छा सुनो ना आराम से, एक एग्जांपल देता हूं. शुभम अब्बड़ इज अ प्रॉक्सी ऑफ आशीष सर, मोदी सर, सौमिल सर. आशीष सर इज होल्डिंग 5% शेयर्स, मोदी सर इज होल्डिंग 3% शेयर्स एंड सौमिल सर इज होल्डिंग 2% शेयर्स. तो एग्रीगेट कितना हो गया 10%. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब पुष्कराज सर भी मुझे अपॉइंट करना चाहते हैं प्रॉक्सी, कैन दे डू सो? आंसर इज नो, क्योंकि वोटिंग पावर भी देखना पड़ेगा. मैं वैसे 50 लोगों का हो सकता हूं, लेकिन 10% ऑफ वोटिंग पावर भी देखना पड़ेगा. टोटल मिला के मैं 10% वोटिंग पावर के लोगों का प्रॉक्सी बन सकता हूं. अब मैं ऑलरेडी यहां पर 10% हो चुके हैं. आशीष सर 5% होल्ड करते हैं, मोदी सर 3% होल्ड करते हैं और ये 2% होल्ड कर रहे हैं सौमिल सर. तो ऑलरेडी 10% हो चुका, अब मैं पुष्कराज सर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता. अच्छा सर सुनो, दूसरा एग्जांपल. शुभम अब्बड़ इज अ प्रॉक्सी ऑफ शुभम मोदी एंड शुभम मोदी इज ऑलरेडी होल्डिंग 60% शेयर्स इन द कंपनी. तो मैं सिर्फ शुभम मोदी का बनूंगा, मैं सिर्फ शुभम मोदी का बनूंगा और किसी का नहीं बनूंगा. आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इस भरी सभा में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा तन मन धन सिर्फ मोदी के लिए है. आई मीन टू से, अरे क्योंकि उनकी होल्डिंग ज्यादा है ना. अरे गंदे लोग गंदा मत सोचो, उनकी होल्डिंग कितना है? 60% उनकी होल्डिंग है, उनकी होल्डिंग 60% है. दैट्स व्हाई आई कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ ओनली मोदी सर. सो इफ अ सिंगल मेंबर होल्ड 10%, अगर एक व्यक्ति 10% से होल्ड करता है, तो यू कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर ओनली. उस बिहाफ पे ही आप मेंबर बन सकते हो, और किसी के बिहाफ पे और किसी और के बिहाफ पे मैं मेंबर नहीं बन सकता, और किसी के बिहाफ पे मैं मेंबर नहीं बन सकता. प्रॉक्सी मस्ट बीन राइटिंग एंड साइंड बाय मेंबर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन. प्रॉक्सी कैसा होना चाहिए बेटा? राइटिंग में होना चाहिए. प्रॉक्सी कैसा होना चाहिए दोस्तों? यारो कैसा होना चाहिए प्रॉक्सी? राइटिंग में होना चाहिए एंड साइन बाय, कौन साइन करेगा? हिज ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन. ओके, इफ अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अफिक्स अ कॉमन सीट. है ना, बॉडी कॉर्पोरेट ने अपना प्रॉक्सी अपॉइंट. सर बॉडी कॉर्पोरेट तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, डिपेंड करता है, उनके ऊपर ऑप्शन है. वो रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकता है, वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर उनको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है तो रिप्रेजेंटेटिव कर, अगर प्रॉक्सी करना है तो प्रॉक्सी कर. तो अगर रिप्रेजेंटेटिव ने, बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया ना, तो प्रॉक्सी फॉर्म पे उनका क्या होगा? कॉमन सील होगी. ठीक है सर. कंपनी कैन नॉट सेंड इनविटेशन टू अपॉइंट प्रॉक्सी एट कंपनीज एक्सपेंस. मतलब क्या? नोटिस के साथ आपने ना एक लिस्ट ऐड कर दी, ये बंदे प्रॉक्सी बन सकते हैं, बनवा लो अगर बनाना चाहते हो तो. ए भैया, तुमसे मांगा हमने, तुमसे प्रॉक्सी लिस्ट हमने मांगी, या तुमसे ऐसे हमने ऐसे लोगों का लिस्ट मांगा जो प्रॉक्सी बन सकते हैं? कंपनी ना, कंपनी बहुत दानवीर है भैया, बहुत अच्छी कंपनी है. कंपनी ने क्या किया मालूम? नोटिस के साथ 10 पन्ने ऐड कर दिए, 10 पन्ने ऐड कर दिए, जिसमें वो व्यक्ति का नाम लिख दिया जो व्यक्ति क्या बन सकते हैं? प्रॉक्सी बने हुए हैं, मतलब कभी ना कभी वो प्रॉक्सी बने हुए हैं, ऐसे लोगों के नाम लिख दिए. अरे भैया तुमको बोला था, हमने तुमको कहा था, अरे हमने तुमको कहा था, भेजो. मत भेजो, नहीं भेजना है, अपने एक्सपेंसेस पे. सो कंपनी कैन नॉट सेंड इनविटेशन टू अपॉइंट प्रॉक्सी एट कंपनीज एक्सपेंस. वाला कंपनी खर्चा कर रही है ना, वो 10 पन्ने, अरे 10 पन्ने आएंगे ना, पोस्ट करना पड़ेगा, लाखों शेयर होल्डर है, भेज दिया तुमने तो टेढ़े हो गए क्या? हाँ, लेकिन अगर मांगा है, इफ अ मेंबर हैज रिक्वेस्टेड, तो कंपनी ने भेजना है. तो हाँ, अगर किसी मेंबर ने मांगा है, अरे कोई मेंबर बोलता है कंपनी कंपनी सुनो ना, मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना, लेकिन मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, आप ही बता दो किसको अपॉइंट करूं, तो आप लिस्ट दे सकते हो उसको, तो आप लिस्ट दे सकते हो उसको. रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी? कॉन्सेंट्रेट करना. रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन ऑफ प्रॉक्सी. रिवोकेशन का मतलब क्या होगा? कैंसलेशन ऑफ प्रॉक्सी. तो वो पर्सन हिमसेल्फ अटेंड द मीटिंग एंड वोटेड. प्रॉक्सी था, मीटिंग में बैठा भी है प्रॉक्सी, लेकिन उसके पहले कौन आ गया? मेंबर भी आ गया और उसने वोट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा, मेंबर का वोट माना जाएगा. डिपॉजिट ऑफ न्यू प्रॉक्सी फॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम. प्रॉक्सी फॉर्म कितने? 48 घंटे पहले देना चाहिए. मैंने 6 दिन पहले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. 6 दिन पहले आप भले 1 महीने पहले प्रॉक्सी फॉर्म देके रखो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पहले एटलीस्ट 48 आवर्स पहले देना पड़ेगा. तो मैंने प्रॉक्सी फॉर्म दे दिया, फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया. अरे मेरे को एकदम से ख्याल क्या आया ना, मेरे को एकदम से ये ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे उसमें चेंजेस करना है. फिर मैंने 4 दिन पहले एक और फॉर्म दिया. पहले मैंने शुभम मोदी सर को प्रॉक्सी बनाया था, फिर मैंने नया फॉर्म दिया जिसमें मैंने सौमिल मंगलानी सर को प्रॉक्सी बनाया. अब कंपनी किसको प्रॉक्सी मानेगी? नया फॉर्म विद इन टाइम आया है ना,
विद इन टाइम आया ना, तो अब सौमिल मंगलानी सर क्या रहेंगे, प्रॉक्सी ना कि शुभम मोदी सर, ना कि शुभम मोदी सर। बहुत बढ़िया। रिटर्न नोटिस हैज बीन गिवन बिफोर कमेंसमेंट और एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। मीटिंग के पहले आपने नोटिस दे दिया कि प्रॉक्सी को कैंसिल करो यार। मैंने मोदी सर को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, मोदी सर मीटिंग में जा ही रहे, मैंने रिटर्न नोटिस दे दी कंपनी को, नहीं नहीं बोले मेरा प्रॉक्सी कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो जब एंट्री कर रहे थे ना, तो मोदी सर को रोक दिया गया कि भैया आपका प्रॉक्सी कैंसिल हो चुका है, अब आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न नोटिस आ चुके हैं, और नोटिस ऑफ रिवोकेशन साइन बाय मेंबर हु साइन द प्रॉक्सी फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, जिसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है उसका साइन था ना, तो जब प्रॉक्सी को हम रिवोक करेंगे तो भी हमको साइन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। करेक्ट, इंस्पेक्शन मतलब आपको प्रॉक्सी लिस्ट को इंस्पेक्ट करना है। आपको बहुत पंचायत है, कुछ लोग होते हैं ना पंचायत करने वाले, खतरनाक पंचायत करते हैं कुछ लोग, उनको हर चीज जाननी होती है, उनको हर चीज जाननी होती, खतरनाक पंचायत करते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों का क्या, वो प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, वो प्रॉक्सी को क्या करना चाहते हैं बेटा, इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, प्लीज फोकस करना। सो अगर हम बात करें इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी का, तो इंस्पेक्शन कौन करेगा, बाय मेंबर एंटाइटल टू वोट। कोई भी मेंबर जिसको वोटिंग पावर है वो प्रॉक्सी का लिस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, कंपनी को बोल सकता है कंपनी बताना मेरे को प्रॉक्सी देखना है कि कौन कौन लोग एज ए प्रॉक्सी आ रहे हैं, कौन कौन लोग एज ए प्रॉक्सी आ रहे हैं मेरे को देखना है कंपनी बताना, अरे प्लीज बताना मुझे। अगर प्रॉक्सी का लिस्ट इंस्पेक्ट करना है कि कौन कौन से व्यक्ति खुद नहीं आए हैं, प्रॉक्सी कौन कौन से व्यक्ति एज ए कौन कौन से व्यक्ति ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, हाँ, तो आपको कंपनी को 3 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्शन का डिपॉजिट नहीं है, सुन लेना ऊपर वाले में, और इधर कंफ्यूज मत होना, ये इंस्पेक्शन की बात हो रही है मित्रों, बात इंस्पेक्शन की हो रही है। इंस्पेक्शन मतलब मुझे देखना है कि कौन कौन लोग प्रॉक्सी आ रहे हैं, तो मुझे कितने दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज पहले मैं कंपनी को नोटिस दूंगा कि मैं 3 दिन पहले मैं चेक नहीं करूंगा, 3 दिन पहले मैं सिर्फ नोटिस दूंगा कि मुझे प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन करना है कि कौन कौन लोग, मुझे वो रजिस्टर इंस्पेक्ट करना है जिसमें प्रॉक्सी की डिटेल है, मुझे कौन कौन लोग एज ए प्रॉक्सी आ रहे हैं वो देखना है। और इंस्पेक्शन कब करोगे, मैं देखने वाला हूं ये एडवांस में 3 दिन पहले बताना है, और मैं कब देखूंगा एक्चुअल में, मीटिंग के 24 घंटे पहले से लेके कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, मतलब जिस दिन मीटिंग है उसके 24 घंटे पहले से, 1 दिन पहले से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, तब से लेके कब तक, जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं होती, मीटिंग खत्म नहीं होती। लेकिन बिजनेस आज रात को मत आ जाना, 9 से 6 के बीच में आना बेटा, रात को आके बोला मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, अरे भाई रुक जा, सुबह दिखाएंगे, 9 से 6 में दिखाएंगे, समझ रहे हो, सबर करो बेटा, सब कुछ तुम्हें देखना है मुझे पता है, लेकिन सबर करो थोड़ा। ठीक है आए ना, चलिए बड़ी। सो इंस्पेक्शन के लिए आपको बताना पड़ेगा, 3 डेज एडवांस में आपको नोटिस देनी पड़ेगी कि हम प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने वाले हैं। और इंस्पेक्शन करोगे कब, मीटिंग के 24 घंटे पहले से स्टार्ट होगा, मतलब आज मीटिंग है तो 1 दिन पहले से इंस्पेक्शन कर सकते हो, वहां से लेके तो जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक। लेकिन बिजनेस आवर्स सुबह 9 से 6। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग पावर, तो जिनके पैसे नहीं आए हुए यार उनके वोटिंग पावर को रोक दिया जाता है। इट्स क्वाइट सिंपल, जैसे आप लोगों की फीस पे नहीं होती है तो आपका एक्सेस रुक जाता है, लेक्चर्स रुक जाते हैं, वैसे ही अगर शेयर्स के पैसे नहीं आए तो आपके वोट रोक लिए जाते हैं। ये था 106, सेक्शन 106। तो चलिए 105 और 106 दोनों कर लिए हमने, 105 का एक बार रिवाइज कर लें, 105 का एक बार रिवाइज कर लें पूरा अच्छी तरीके से, फिर अपन 4 सेक्शन लगातार पढ़ेंगे, 107, 108, 109, 110, 101 से लेके 107 से लेके 110 तक 4 सेक्शन एक साथ लगातार पढ़ेंगे, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे हम आपको, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे आपको, थोड़ा सा कुछ ठूस लेना फीस लेना, 5-10 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, एंड देन रिमेनिंग एक वन शॉट में रिमेनिंग खत्म करेंगे। तो हार्डली मुझे लगता है 3 घंटे, और पहले का लेक्चर अगर देखा जाए, पहले का लेक्चर देखा जाए तो 4 घंटे, 4.25 घंटे में खत्म कर देंगे, 4-4.5 घंटे मैक्स टू मैक्स, 4.5, अभी 6:30 हुई है ना, 2 घंटा और यहां से पकड़ लो, 2 घंटा और यहां पे 8:30 बजे तक खत्म कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक खत्म कर दूंगा। चलिए प्रॉक्सी की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, प्रॉक्सी सेक्शन 105, कौन प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, द मेंबर एंटाइटल टू वोट, द मेंबर एंटाइटल टू वोट प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है।
प्रॉक्सी मेंबर होना चाहिए, नहीं, सेक्शन 8 कंपनी में, हाँ, प्रॉक्सी अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो अगर कंपनी का आर्टिकल प्रोवाइड करता है तो अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी क्या कोरम में काउंट होगा? नो। प्रॉक्सी क्या वोट कर पाएगा? नो। प्रॉक्सी क्या अलाउड टू स्पीक? नो। लेकिन पोल डिमांड हुआ तो कर सकता है, पोल डिमांड हुआ तो कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट कितने आज पहले बताओ, प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट कितने आज पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, 48 घंटे पहले। कितने दिन पहले बेटा? 48 घंटे पहले आपको प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना है। कितने दिन पहले? 48 दिन पहले आपको मीटिंग, आपको क्या करना है? प्रॉक्सी फॉर्म अपॉइंट करना है 48 दिन पहले। चलिए सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 48 दिन पहले हम कर लेंगे, उसमें क्या बात है। ठीक है सर। अब सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या 48 आवर्स से ज्यादा पीरियड स्पेसिफाई हो सकता है? आंसर इज नो। एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? मैक्सिमम 50 लोगों का एक बंदा प्रॉक्सी बन सकता है, मैक्सिमम 50 लोगों का एक बंदा प्रॉक्सी बन सकता है सर। और अगर परसेंटेज में देखें तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर। अगर अकेला व्यक्ति 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है तो वो बंदा प्रॉक्सी सिर्फ उसी का बन सकता है, उसके अलावा वो किसी का नहीं हो सकता। लाइक मैं सिर्फ मोदी सर का हो सकता हूं बिकॉज ही इज होल्डिंग 10% और मोर शेयर्स इन दैट कंपनी, तो मैं सिर्फ मोदी सर का हो सकता हूं, बाकी किसी का नहीं रहूंगा प्रॉक्सी। ठीक है सर। प्रॉक्सी पे क्या साइन होगा? बिल्कुल साइन होगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो कॉमन सील होगी। कंपनी ने डेढ़ होशियारी नहीं दिखानी है और इनविटेशन नहीं भेजना कि तुम प्रॉक्सी को अपॉइंट कर लो। प्रॉक्सी की लिस्ट दे दिया, 50-100 लोगों के नाम दे दिए कि इनमें से कोई भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। पंचायत नहीं करनी तुमको, तुमसे मांगा है हमने, नहीं ना तो मत दो। हाँ, किसी ने मांगा है तो प्रोवाइड करो। फिर बोला रिवोकेशन, कैंसिलेशन। प्रॉक्सी कब कैंसिल होगा? प्रॉक्सी कब कैंसिल होगा बताइए जल्दी से। अगर उसने खुद वोट कर लिया या उसने नया प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया या मेंबर ने खुद ने मीटिंग में अटेंड कर लिया या अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू प्रॉक्सी हो गया या रिटर्न नोटिस आपने दे दिया। रिटर्न नोटिस क्या दे दिया आपने? दे दिया, करेक्ट है, बराबर है, नोटिस पे साइन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो कितने दिन पहले आपको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि हम प्रॉक्सी लिस्ट इंस्पेक्ट करेंगे? 3 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉक्सी लिस्ट देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, ये बताना पड़ेगा 3 दिन पहले। लेकिन देख कब पाओगे? मीटिंग के 24 घंटे पहले से लेके जब तक मीटिंग क्या नहीं होती, कंक्लूड नहीं होती, जब तक मीटिंग क्या नहीं होती दोस्तों, कंक्लूड नहीं होती। बहुत बढ़िया। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग पावर सेक्शन 106, अगर आपने शेयर्स के पैसे पूरे नहीं दिए तो आपका वोटिंग पावर रोक दिया जाएगा। एक मिनट के लिए आपकी सांसें खोल रहा हूं, अगर समझ में आ जावे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना लेक्चर के एंड में। कम से कम 500 चाहिए कमेंट, कम से कम 500 कमेंट आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर यार। ये मान से पीछे लग गई, एक बार कोट उतारो ना। अरे समझो, नहीं उतार सकता हूं, समझो नहीं उतार सकता हूं। समझा करो, नहीं उतार सकते हैं। कोट उतारो ना, कोट उतारो ना बोल रहे हो, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोट उतारो बोल साला, बताओ। चलो दो लाइनें और, दो लाइनें और बता दो, दो लाइनें। अभी ब्रेक नहीं, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक मिलेगा बेटा, ब्रेक मिलेगा। प्रॉक्सी का नोटिस आपको 40, प्रॉक्सी अगर इंस्पेक्शन करना तो 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रॉक्सी का, और प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना 48 आवर्स पहले। चलिए 106 बोलता है, रक्षा मैडम सब आपका भी मैसेज देख रहे हैं। 106 बोलता है अगर आपका वोटिंग पावर रिस्ट्रिक्शन है, सुनना अच्छे से, क्या बोला गया, वोटिंग पावर को अगर आपने शेयर्स के ऊपर पूरे पैसे नहीं दिए, अगर आपने शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं दिए बेटा, शेयर्स के अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए ना तो आपका वोटिंग पावर रोक दिया जाएगा। सुमा अग्रवाल ने बोला था सर आपने बोला कि रिवोकेशन को वोट कैसे किया जाए फर्स्ट पॉइंट में,
क्लियर कर दो. क्या बोला सर आपने? बोला कि प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता तो रिवोक. अरे पोल में कर सकता है ना वोट, पोल में तो वोट कर सकता है ना बेशरम शुभम, पोल में प्रॉक्सी वोट कर सकता है ना बेटा, पोल में प्रॉक्सी वोट कर. अच्छा सुनो, अभी सेक्शन 107 किसकी बात कर रहा है दोस्तों? 107 बात कर रहा है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड. चलिए चार बार, एक बार एक्शन कर दीजिए, एक बार एक्शन कर दीजिए, दिल खुश हो जाएगा मेरा, दिल खुश हो जाएगा मेरा. एक बार एक्शन कर दीजिए, बताइए एक बार एक्शन कर दीजिए, दिल खुश हो जाएगा. एक बार एक्शन कर दीजिए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड. 108 इलेक्ट्रॉनिक वोट, 109 पोल और 110 पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट. एक बार एक्शन कर दीजिए, एक बार एक्शन कर दीजिए, मजा आ जाएगा बता रहा हूं मैं आपको. और यार तुम ना बहुत ही वो हो. रुको एक मिनट, चलिए स्टार्ट करूं क्या मैं अभी? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड की अगर हम बात करें, मतलब हाथ दिखाओ और वोटिंग करो, है ना, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड. ये देखिए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, हाथ दिखा के वोटिंग करना है. हाथ दिखा के क्या करना है दोस्तों? वोटिंग करना है. सो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना. वोट पहली बार जब भी वोट होगा ना, बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड ही होगा. बाय वे ऑफ वोट बेटा आपका शो ऑफ हैंड ही होगा, ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, रेज द काउंट करेंगे हाथ, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया और कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, इसको हम काउंट करेंगे. इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? काउंट करेंगे. अच्छा सर सुनो ना, इसमें एक व्यक्ति को एक ही वोट है, उसके पास कितने शेयर से ना फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कितने शेयर से फर्क नहीं पड़ता. एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट करने का पावर है. एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कितना वोट करने का पावर है दोस्तों? एक ही वोट करने का पावर है. किसमें बेटा? इसमें, पहले वाले में. एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट करने का पावर है. सो चेयरमैन अनाउंसेस द रिजोल्यूशन वेदर इट इज कैरिड और लॉस्ट एंड एंटर इन द मिनट बुक. मेन चीज, वन मेंबर वन वोट. एक व्यक्ति को एक ही वोट है. लेकिन अगर आपका पोल डिमांड कर लिया गया तो वोटिंग पोल से होना चाहिए. अगर आपका पोल डिमांड कर लिया गया तो वोटिंग कैसे होनी चाहिए? पोल से होनी चाहिए. अगर पोल डिमांड कर लिया है तो अभिषेक नाम समझा. हाँ जी. सो देखिए, अब अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना. अब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें सेक्शन 108 की, 108 बोलता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. सेक्शन 108 बोलता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मतलब यस और नो, इलेक्ट्रॉनिकली वोट करेंगे. अब हम इलेक्ट्रॉनिकली वोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वोट करेंगे. यस और नो मतलब हाँ बिल्कुल. ओके बोलना. इलेक्ट्रॉनिक वोट किस किस को एप्लीकेबल, पहले तो ये बताइए. लिस्टेड कंपनी, अगर उसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी देनी पड़ेगी. कंपनी हैविंग मोर देन 1000 और मोर मेंबर्स, 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर है, 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर है तो देना पड़ेगा. किसको एप्लीकेबल नहीं है, किसको एप्लीकेबल नहीं है बताइए पहले तो. जिसके डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है उनको एप्लीकेबल नहीं है. जो एसएमई, सेम नहीं है, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म, एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है
उनको भी ये फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है, या फिर वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कहां पे लिस्टेड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है, तो भी उनको ये वोट करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर वो निधि कंपनी है, या फिर वो कौन सी कंपनी है बेटा, निधि कंपनी है, या तो फिर वो कौन सी कंपनी दोस्तों, निधि कंपनी है। अच्छा मैं दो लाइनें बोल रहा था आपको, मैं दो लाइनें बोल रहा था, सुनो अच्छे से। हासिल हो जाएगी मंजिलें तो खुद पर यकीन रख, हासिल हो जाएगी मंजिलें तो खुद पर यकीन रख, झुक जाएगा आसमान पे, झुक जाएगा आसमान भी लेकिन तू पैर जमीन पे रख, झुक जाएगा आसमान भी लेकिन तू पैर जमीन पे रख, करेक्ट है ना। चले बड़ी इसमें बोलना, मैं तीन तरीके से बताऊंगा, बोलो मैं तीन तरीके से बताऊंगा, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, मैं कितने तरीके से बताऊंगा, तीन तरीके से बताऊंगा। ओके बिल्कुल सही बात है, तीन तरीके से आपको बताना है, कितने तरीके से बताना बेटा, तीन तरीके से आपको बताना है। तीन दिन के लिए कम से कम वोटिंग ओपन रहेगी, तीन तरीके से बताऊंगा, तीन दिन के लिए ओपन रखूंगा और तीन दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, तीन दिन के अंदर क्या आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, शांति सुनना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे ये सेक्शन 108। पहले तो ये बताइए सेक्शन 108 किसको कंपलसरी है, इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी और सच अदर कंपनी जहां पे कितने शेयर होल्डर है बेटा, सच अदर कंपनी, या फिर क्या बोला है, सच अदर कंपनी। ओके सर, सच अदर कंपनी जहां पे मोर देन 1000 और मोर मेंबर है, जहां पे कितने मेंबर है बेटा, 1000 और मोर मेंबर है, बहुत बढ़िया। किसको एप्लीकेबल नहीं है बताइए, किसको एप्लीकेबल नहीं है, ये उन कंपनियों को एप्लीकेबल नहीं है जिसके प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर लिस्टेड है। ओके सर, या जो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, या जो निधि कंपनी है, ठीक है, या फिर जो एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर लिस्टेड है, बहुत बढ़िया। सर सुनो ना, ये अथोराइज तरीके से होगी, बिल्कुल अथोराइज तरीके से होगी, ये कैसी होगी बेटा, अथोराइज तरीके से होगी बिल्कुल। ओके सर, अब देखो क्या होगा, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली होगा वोटिंग बाय सिक्योर्ड मींस, इलेक्ट्रॉनिकली आपको मेल आएगा, आपको बैलेट पेपर आ जाएंगे, आपको क्या जाएगा, मेल आ जाएगा आपको, और उस मेल पे जाके आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको वोट करना है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, आपको मीटिंग में आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मीटिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, इसकी वजह से ये लाया गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो बोलना तीन तरीके से बताऊंगा, सबसे पहले तो तीन तरीके से, यहां तक क्लियर है क्या, कम ऑन एवरीबॉडी, किसको एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी, बहुत बढ़िया, और जिसके यहां पे 1000 और मोर मेंबर है, बहुत बढ़िया। कैसे होगा, सिक्योर्ड सिस्टम से पेमेंट होगा, बहुत बढ़िया, कैसे होगा बेटा, सिक्योर सिस्टम से पेमेंट होगा, और यहां पे हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर डिस्प्ले करेंगे। बैलेट पेपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैलेट पेपर का मतलब होता है जहां से आप वोट करने वाले हो, जिस पे आप वोट करने वाले हो उसको बैलेट पेपर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम बैलेट पेपर क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ओके सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देना इलेक्ट्रॉनिकली आप बैलेट पेपर डिस्प्ले कर देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर डिस्प्ले कर देना। अरे पंखा तो नहीं चल रहा ना आज, लाइट नहीं है यहाँ पे, कब से लाइट गई है, लाइट है ही नहीं, इन्वर्टर पे चल रहा है, बंद ना हो जाए अपना लेक्चर। ओके सर, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर। अच्छा किसको ये एग्जम्पशन दिया हुआ कि कौन से कंपनी को ये सिस्टम देने की जरूरत नहीं है, जिसके सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर लिस्टेड है, या जो खुद एसएमई प्लेटफॉर्म, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, या जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है, या वो निधि कंपनी है, या तो वो कौन सी कंपनी है, निधि कंपनी है। ठीक है सर, अब सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या अपॉइंट करेगा, एक एजेंसी अपॉइंट करेगा जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, नॉर्मली एनएसडीएल ये एजेंसी प्रोवाइड करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो नॉर्मली उसको हम अपॉइंट कर लेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एनएसडीएल को या सीडीएसएल को अपॉइंट कर लेंगे, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपको क्या करेगा दोस्तों, ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, आपको दोस्तों तीन तरीके से बताना है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले आपको नोटिस देनी, तीन तरीके से सबको बताना है कि हम ई वोटिंग का फैसिलिटी दे रहे हैं। तीन तरीके से बताना है, कौन से तीन तरीके? तो सबसे पहले नोटिस इज सेंड टू ऑल मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर, सबको नोटिस जाएगी कि ई वोटिंग फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। नोटिस शैल स्पेसिफाई अबाउट द ई वोटिंग फैसिलिटी, ओके। नोटिस वेबसाइट पे भी डाल देंगे, ओके, ये दूसरा तरीका हो गया। और नोटिस न्यूज़पेपर में भी बता देंगे एटलीस्ट 21 दिन पहले जनरल मीटिंग के, एक इंग्लिश में और एक हिंदी लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, देखिए 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 दोस्तों, हम क्या करेंगे, नोटिस सेंड करेंगे टू ऑल द मेंबर्स। हम नोटिस सेंड करेंगे टू ऑल द मेंबर्स ऑडिटर्स डायरेक्टर एक्सेट्रा। नोटिस के अंदर क्या स्पेसिफाई करेंगे, द डिटेल्स ऑफ ई वोटिंग फैसिलिटी, कि क्या क्या डिटेल ई वोटिंग के लिए अवेलेबल है, क्या क्या डिटेल्स है वो बताएंगे। नोटिस अब देखो, तीन तरीके से हम लोग बता रहे हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, तीन तरीके से बताऊंगा, कम से कम तीन दिन वोट करने के लिए दूंगा और तीन दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, 108 का। तीन तरीके से बताऊंगा, सबसे पहले कैसे बताऊंगा, नोटिस दूंगा टू ऑल द मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर सेक्रेटरियल ऑडिटर डिबेंचर ट्रस्टी, है ना, उसके अंदर ई वोटिंग का डिटेल दूंगा। सेकंड वन, नोटिस को कहां पोस्ट करूंगा, वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा। एंड थर्ड वन, उसी नोटिस को न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दूंगा एटलीस्ट कितने दिन पहले, 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, वन इन इंग्लिश एंड वन रीजनल लैंग्वेज। ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर मिनिमम 3 डेज, कितने दिन के लिए ओपन होगी, 3 दिन के लिए ओपन होगी कम से कम, और कब क्लोज होगी, क्लोज एट 5 PM ऑन द डे प्रीसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, मतलब जिस दिन जनरल मीटिंग है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे वोटिंग क्लोज कर दी जाएगी। जिनको भी ई वोटिंग करना है वो मीटिंग के एक दिन पहले ई वोट कर दे, जिनको भी वोट करना है वो मीटिंग के एक दिन पहले ई वोट कर दे। तो ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन कम से कम 3 दिन के लिए एंड क्लोजेस एट व्हाट बेटा आपका 5 PM। अच्छा, कोई मेंबर कैन फिजिकली अटेंड जनरल मीटिंग, अच्छा कोई है जिसने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया, कोई व्यक्ति है जिसने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया लेकिन अब उसको फिजिकली मीटिंग अटेंड करना है, क्या वो कर सकता है? आंसर इज द बिग यस, बिल्कुल कर सकता है। वोट नहीं करेगा, वोट ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉनिकली कर चुका है, तो वोट नहीं करेगा लेकिन वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। वंस वोटेड कैन नॉट चेंज सबसिक्वेंटली, एक बार उसने वोट दे दिया वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करेंगे, स्क्रूटिनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। देखना, स्क्रूटिनाइजर जो पर्सन है, स्क्रूटिनाइजर मतलब जो वोट काउंट करने वाला व्यक्ति है, जो इंसान वोट को काउंट करेगा, उसको कौन अपॉइंट करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, वो बाहर का बंदा ही होना चाहिए, नॉर्मली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हाँ, स्क्रूटिनाइजर होता है, और वो अपना रिपोर्ट देगा। स्क्रूटिनाइजर शैल डिक्लेयर रिजल्ट विद इन 3 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, 3 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट हम डिस्प्ले करेंगे रजिस्टर ऑफिस पे, हेड ऑफिस पे, कॉर्पोरेट ऑफिस पे, वेबसाइट पे, सब जगह हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे। अच्छा, जब भी स्क्रूटिनाइजर वोट काउंट करेगा ना, तो उसके सामने 2 विटनेस होने चाहिए, है ना, वोट जब भी हम काउंट करते हैं ना तो 2 व्यक्ति उसके साथ में होने चाहिए, मतलब 2 व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ऐसे 2 व्यक्ति उनके साथ होने चाहिए वोट काउंटिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे दोस्तों? वोट काउंटिंग के टाइम पे। दिस इज व्हाट सेक्शन 108, 108 एक बार रिवाइज कर लें, जल्दी से बताइए, एक बार रिवाइज कर लें। हाँ चलिए, तो देखो दोस्तों, यहां तक क्लियर है क्या आपको? यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, 108। चलिए बताइए, इसमें तीन, मैंने क्या बताया ना आपको, तीन चीजों का ध्यान रखना है। तीन तरीके से मैं बताऊंगा कि ई वोटिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, 3 दिन के लिए वोटिंग ओपन रखूंगा और 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलिए, 108 इट इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, बहुत बढ़िया, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके अंदर 1000 से ज्यादा, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा मेंबर है। हाउएवर, ये वोटिंग फैसिलिटी देने की आवश्यकता किसको नहीं है? तो ऐसी कंपनी जो जिसके से प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स लिस्टेड है, या ऐसी कंपनी जो SME प्लेटफॉर्म पे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे लिस्टेड है, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, किस पे है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे लिस्टेड है, या वो निधि कंपनी में लिस्टेड है, उनको बेसिकली क्या है,
उनको बेसिकली क्या है, ये वोटिंग फैसिलिटी देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर ठीक है, ये वोटिंग फैसिलिटी देती कौन है, तो एजेंसी को अपॉइंट करो जो ये ई वोटिंग फैसिलिटी देती है, जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल ये ई वोटिंग फैसिलिटी देती है, ये लोग क्या देते हैं, ई वोटिंग फैसिलिटी बिल्कुल दे देते हैं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, तीन तरीके से बताऊंगा फॉलोइंग आर द थ्री वेज जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट तरीका कैसे है, तो भैया हम आपको रिटर्न नोटिस दे देंगे, तो भैया हम आपको 21 दिन पहले रिटर्न नोटिस दे देंगे। दूसरा तरीका कैसा है, दूसरा तरीका यह है कि हम आपको अब हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और तीसरा तरीका क्या है कि हम न्यूज़पेपर में 21 दिन पहले दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देंगे। तीन दिन के लिए कम से कम वोटिंग ओपन होगा, मिनिमम वोटिंग ओपन कितने दिन के लिए, कम से कम तीन दिन के लिए, एंड शैल क्लोज एट 5 PM ऑफ प्रीसीडिंग डे, जिस दिन मीटिंग होगी उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे वोटिंग क्लोज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके सर, थर्ड वन अगर हम बात करूं तो तीन दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, एक बात समझो, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, स्क्रूटिनाइजर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। स्क्रूटिनाइजर जिस दिन मीटिंग होगी उसके तीन दिन के अंदर अपना क्या देगा, रिजल्ट दे देगा, तीन दिन के अंदर अपना रिजल्ट देगा। एंड रिजल्ट वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, रजिस्टर ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक, सारे साथ बैंक बोल रहा हूं, अपना जितने भी ऑफिस है उस पर रिजल्ट लग जाएगा, वेबसाइट पर रिजल्ट लग जाएगा। कोई व्यक्ति है जिसने ई वोट किया लेकिन वो मीटिंग में आना चाहता है, आ सकता है, मीटिंग में वोट करना चाहता है, नहीं कर सकता है, मीटिंग अटेंड करना चाहता है कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए 109 पे बढ़ते हैं, पोल की बात। ये हो गया आपका 108, अब हम आगे बढ़ते हैं 109 पे, 109 है बेटा आपका। चलो 109 पढ़ने के पहले 110 पढ़ लो, 109 पढ़ने के पहले 110 पढ़ लो, दैट इज व्हाट पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट का मतलब होम डिलीवरी, पोस्टल बैलेट का मतलब हो गया होम डिलीवरी, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या हो गया, होम डिलीवरी। 110 सेक्शन नंबर 110, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या हो गया, होम डिलीवरी। फोकस करिएगा, होम डिलीवरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये किसको एप्लीकेबल है, जिसमें 200 से ज्यादा मेंबर है उन्हीं को पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है। अब तीन टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, एक कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट से करना है, कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से करना है, एक ऐसे रेजोल्यूशन है जो कंपल्सरीली मीटिंग ही लेनी है, उसके लिए पोस्टल बैलेट चलेगा ही नहीं, और बाकी के अदर में आप कुछ भी कर सकते हो, अदर में आप कुछ भी कर सकते हो। 109 के पहले 110 पढ़ रहे हैं हम लोग, 109 मैंने थोड़ा स्किप किया, अगली मतलब इसमें आगे पढ़ाता हूँ, 109 आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है बोलिए। सॉरी सो देखिए यार, सिंपल सी बात है, क्या बात बोला गया, कंपल्सरी पोस्टल बैलेट जिसका कंपल्सरी मीटिंग होगा, एंड थर्ड एंड अदर रिजोल्यूशन। अब ऐसे कुछ रिजोल्यूशन है जो कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से होंगे, उसका मैंने आपको मेमोरी टेक्निक दी है, ए बी सी डी ई एफ जी और वी, ये कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से होगा, इट इज कंपल्सरी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, नो अदर मींस, बाकी कोई तरीके से नहीं होगा, ये कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से ही होगा, ये कंपल्सरी किससे होगा बेटा, पोस्टल बैलेट से होगा। कौन से पोस्टल बैलेट से होंगे, तो पहला अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर रहे हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर रहे हो, बी फॉर बायबैक कर रहे हो, चलिए इधर है लिखा हुआ, आइए पोस्टल बैलेट, ए फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर रहे हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर रहे हो टू डिटरमाइन प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा बोला गया है बायबैक करने के लिए, तीसरा बोला है रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड लोकल लिमिट, लोकल लिमिट के बाहर अगर आपको रजिस्टर ऑफिस ट्रांसफर करना है, तीसरा, थर्ड वन बोला है डीमर्जर, डी फॉर डीमर्जर, मर्जर टेक ओवर एक्विजिशन, ई फॉर व्हाट इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एफ फॉर व्हाट फॉर सेलिंग होल और सब्सटेंशियल होल ऑफ अंडरटेकिंग, जी फॉर व्हाट गिविंग लोन गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, लिमिट के बाहर, एंड एच फॉर व्हाट
वेरिएशन ऑफ राइट अटैच टू शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, ये सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट से ही होंगे, ये सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं यारो जो पोस्टल बैलेट से होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी वी, ए फॉर व्हाट, ए फॉर व्हाट बेटा बताइए, ए फॉर अल्टरेशन ऑफ, आज गला क्यों बैठ रहा है मेरा, ए फॉर व्हाट, अल्टरेशन ऑफ व्हाट, अल्टरेशन ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट क्लॉज और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू डिटरमाइन प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक में कन्वर्ट करना है, पब्लिक को प्राइवेट में करना है, तो बी फॉर व्हाट बायबैक, सी फॉर चेंज इन रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड लोकल लिमिट, डी फॉर डी मर्जर, मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर, ई फॉर व्हाट, ई फॉर इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एफ फॉर व्हाट, फॉर सेलिंग होल और सब्सटेंशियल होल ऑफ द अंडरटेकिंग, जी फॉर गिविंग लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्सीडिंग द लिमिट, और वी फॉर व्हाट वेरिएशन ऑफ राइट, ये ट्रांजेक्शन कंपलसरी पोस्टल बैलेट से होंगे और ये ट्रांजेक्शन कंपलसरीली मीटिंग में होने चाहिए जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस, पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा, कंपलसरीली इसी से होना चाहिए। एंड ट्रांजेक्शन बैलेट डायरेक्टर एंड ऑडिटर हैव राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डायरेक्टर को सुनने, जैसे हम डायरेक्टर को निकालते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, हम ऑडिटर को निकालते हैं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, तो ऐसे मैटर जिसमें डायरेक्टर अपना अपनी बात बोलना चाहता है वो मैटर पोस्टल बैलेट से कर दोगे तो वो कैसे बोलेगा यार, वो बोल ही नहीं पाएगा, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते। तो दो ट्रांजेक्शन ऐसे जो आपके पोस्टल बैलेट से हो ही नहीं सकते, कौन से, एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके लिए मीटिंग लेनी पड़ेगी, पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा, और दूसरा जिसमें ऑडिटर और डायरेक्टर को राइट टू बी हर्ड है। प्रोसीजर देखिए, इसमें प्रोसीजर देखिए, है ना, प्रोसीजर देखिए, चले हो गया, आधे पौन घंटे में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। प्रोसीजर देखिए, ऑप्शनल फॉर वन पर्सन कंपनी एंड अदर कंपनी हैविंग 200 मेंबर, उनके लिए ऑप्शनल है ये, उनके लिए क्या ऑब्वियस सी बात है, क्या है, ऑप्शनल है उनके लिए, ऑब्वियस सी बात क्या है, ये ऑप्शनल है बेटा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटिस देंगे टू ऑल द मेंबर अलोंग विद ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। पोस्टल बैलेट मतलब होम डिलीवरी, आपको कहीं भी आने की आवश्यकता नहीं है, होम डिलीवरी, आपको कहीं पे भी आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे रिजोल्यूशन पास होगा, घर बैठे रिजोल्यूशन पास होगा, आपको कहीं पे भी आने की जरूरत नहीं है, हाँ? नहीं अभी। सो सेंड नोटिस टू ऑल मेंबर अलोंग विद द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के साथ भेजो नोटिस। नोटिस शैल सेंड बाय रजिस्टर बोर्ड, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड या कुरियर, किसी से भी नोटिस दे सकते हो, न्यूज़पेपर में भी दे दो। इस पे भी तीन तरीके से बताऊंगा, तीन तरीके से बताऊंगा, 30 दिन दूंगा और 3 दिन में रिजल्ट आएगा। देखो 108 में क्या था, 3 3 3, यहाँ पे 333, 103 मैंने कैसे, 108 कैसे याद करवाया, 108 कैसे याद करवाया, तो एक बार ये रीड करो, एक बार ये रीड करो, थोड़ा सा ना गार्गलिंग करके आता हूँ, गार्गलिंग करता हूँ, थोड़ा सा कफ जैसा लग रहा है, एक बार ये रीड करो,
चलिए यार, चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांजेक्शन कंपलसरी मीटिंग में हो गए, ऑर्डिनरी बिजनेस, और जहां पे डायरेक्टर और ऑडिटर को सुनने का मौका मिलेगा, जहां पे डायरेक्टर और ऑडिटर को क्या मिलेगा, राइट टू बी हर्ड, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। जैसे हम डायरेक्टर को निकालते हैं ना, यारो जब भी हम डायरेक्टर को निकालते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, तो ये मैटर नहीं हो सकते पोस्टल बैग से। ठीक है सर, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर यह है कि बताओ, तीन तरीके से बताऊंगा कि पोस्टल बैलेट कर सकते हो, 30 दिन के लिए वोटिंग को ओपन रखूंगा और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दूंगा, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले सेंड नोटिस टू ऑल मेंबर अलोंग विद द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। नोटिस रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट करियर से जा सकता है, एडवर्टीजमेंट भी दे देना न्यूज़पेपर में इंग्लिश में और हिंदी में, और नोटिस वेबसाइट पे पोस्ट भी कर देना। नोटिस क्या कर देना? वेबसाइट पे पोस्ट कर देना। ठीक है, अब जैसे हमने उसको पोस्ट भेजा, उसको घर बैठे वोट करना है, तो इमेजिन करना आप सब शेयर होल्डर हो, मैंने आपको पोस्ट ऑफिस से सब भेज दिया है, आपको वोट करना है 30 डेज के अंदर अंदर। सो असेंट एंड 30 दिस फ्रॉम डिस्पैच ऑफ नोटिस, फ्रॉम व्हाट बेटा? आपका डिस्पैच ऑफ नोटिस। 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? वोट कर देना है, करेक्ट है? सो विद इन 30 डेज फ्रॉम 30 डेज शेयर होल्डर शैल गिव असेंट और डिसेंट। 30 दिन के अंदर अपना हाँ या ना बोल देना है। वोट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज शैल नॉट बी कंसीडर। 30 दिन के बाद अगर जो भी वोट मिला है, कंपनी को जो भी वोट आया है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर वोट देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट 1 स्क्रूटिनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। अब स्क्रूटिनाइजर मतलब वोट काउंट करने वाला व्यक्ति, स्क्रूटिनाइजर मतलब वोट काउंट करने वाले व्यक्ति को हम अपॉइंट करेंगे, जो वोट काउंट करके देगा। ठीक है, और उसको अपना रिपोर्ट देगा विद इन 7 डेज फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ वोटिंग और लास्ट बैलेट पेपर रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर लास्ट बैलेट पेपर मतलब सबके बैलेट पेपर पहले आ गए तो उसके 7 दिन के अंदर, या फिर लास्ट डे ऑफ वोटिंग। सुनना अच्छे से, 30 दिन का मोहलत देते हैं हम वोटिंग को, समझो 31 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ वोटिंग। ठीक है, लेकिन 16 जनवरी को ही ना सब लोगों ने वोट कर दिया, अब किसी का वोट आने वाला ही नहीं है, तो 16 जनवरी से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाना है। 31 जनवरी का वेट नहीं करना है। क्यों? अरे वोट जिसके आने थे तो वो आ गए ना, जिसका वोट आना था वो आ गया। अब देखो यार, जैसे हम बात करते हैं मीटिंग आधे घंटे बाद चालू होगी, लेकिन सब 15 मिनट में आ गए, तो आधे घंटे का क्यों वेट करना, 15 मिनट में चालू कर दो ना। ठीक है ना, फ्लाइट 7:30 बजे जाती है, लेकिन 7:15 बजे सब लोग आ गए, तो 7:15 बजे ले जाओ ना, क्यों 7:30 तक का वेट करना। सेम चीज, तो जिस दिन जो लास्ट डेट है या लास्ट बैलेट पेपर रिसीव्ड या बैलेट पेपर पहले मिल गया, व्हिचएवर इज अर्लियर। बहुत बढ़िया। द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट वगैरह। बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेस। हाँ करेक्ट है, यहां तक बात सुन लो। ठीक है, सो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया? सो बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक वोट। एक बार अगर आपका कैंसिल हो गया, समझो एक बार आपका वोटिंग कैंसिल हो गया, हो नहीं पाया, रिजोल्यूशन कैंसिल हो गया, फिर से वो रिजोल्यूशन किससे पास करना है? पोस्टल बैलेट से ही पास करना है। ओके बडीज, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका वोटिंग बाय पोल। पोल मतलब समझ रहे हो? पोल का मतलब समझ रहे हो? हम पोल डिमांड कर रहे हैं मतलब क्या? हम पोल डिमांड कर रहे हैं मतलब हम बोल रहे हैं कि यार हमको ना, नॉर्मली 1 मेंबर 1 वोट होता है शो ऑफ हैंड में, एक व्यक्ति को एक ही वोट होता है। नहीं, ये तो गलत है ना। नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, है ना, 1 share 1 vote होना चाहिए। तो 1 share 1 vote करने के लिए हम क्या डिमांड करते हैं? पोल डिमांड करते हैं। सर सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हैंड में 1 member 1 vote होता है, बाकी हर जगह 1 share 1 vote होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पोल डिमांड कर सकते हो। पोल कौन डिमांड कर सकता है? तो पोल एक तो चेयरमैन डिमांड कर सकता है। कब डिमांड कर सकते हो? ऑन और बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट बेटा? डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट डिक्लेयर करते टाइम या उसके पहले आप कभी भी पोल डिमांड कर सकते हो, है ना। रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं टाइम पे या उसके पहले आप पोल डिमांड कर सकते हो। पोल कौन डिमांड करेगा? मेंबर,
प्रॉक्सी और चेयरपर्सन, चेयरपर्सन खुद कर सकता है या तो मेंबर और प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, मेंबर और प्रॉक्सी भी कर सकते हैं. हु कैन डिमांड द पोल, पोल कौन डिमांड कर सकता है, हु कैन डिमांड द पोल. पोल में राइटिंग में, राइटिंग में वोटिंग होगी बेटा. हु कैन डिमांड द पोल, पोल में क्या होगा दोस्तों, राइटिंग में जो भी वोटिंग होगी वो कैसी होगी बेटा, राइटिंग में होगी. जो भी वोटिंग होगी वो कैसी होगी दोस्तों, राइटिंग में होगी. सो हु कैन डिमांड द पोल, तो एक तो आपका चेयरपर्सन, एक तो आपका कौन, चेयरपर्सन, वो भी कैसा, सुयो मोटो, सुयो मोटो मतलब खुद होके. दूसरा आपका मेंबर, या फिर मेंबर के अलावा प्रॉक्सी कैन ऑल्सो डिमांड द पोल. प्रॉक्सी में दो, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. अगर शेयर कैपिटल है तो मेंबर होल्डिंग कितना, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर. मेंबर और प्रॉक्सी होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. और एग्रीगेट पेडअप कैपिटल और एग्रीगेट होल्डिंग, एग्रीगेट पेडअप होल्डिंग रुपीज 5 लाख, या उनके पास 5 लाख के शेयर्स है, या तो वो कंपनी में 10% होल्ड करते हैं या उनके पास 5 लाख के शेयर्स है. एज द केस में भी, सर मेरे पास 10% शेयर्स है तो पोल डिमांड कर सकता है. सर मेरे पास 10% शेयर्स नहीं है लेकिन 5 लाख की होल्डिंग है, 5 लाख पेडअप, 5 लाख रुपीज पेडअप है मेरे पास, ठीक है कर दे, तो भी पोल डिमांड कर सकता है. और अगर अगर कैपिटल है ही नहीं तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ वोट बेटा आपका टोटल वोटिंग पावर. तो हु कैन डिमांड द पोल बेटा, हु कैन डिमांड द पोल. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर बाय पर्सन और प्रॉक्सी हैविंग 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर उसका एग्रीगेट होल्डिंग कितना है, नॉट लेस देन 5 लाख, एटलीस्ट 5 लाख का होल्डिंग है. कंपनी में कैपिटल नहीं है तो कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, बस 10% होना चाहिए. सर कब पोल, कब मतलब पोल कितने दिन के अंदर लेना, पोल मतलब अब वोटिंग कैसे होगी, राइटिंग में होगी, तो टाइम, टाइम तो अगर चेयरमैन के लिए पोल डिमांड हुआ है तो इमीडिएटली लेना है. हमने चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के टाइम पे पूछा था, हमने चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी देखा था कि जब बेटा जी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए पोल डिमांड होता है, इट शैल बी टेकन इमीडिएटली. तुरंत आपको क्या लेना पड़ता है, पोल लेना पड़ता है बेटा जी, तुरंत आपको पोल लेना पड़ता है. और कोई अगर अदर केसेस है तो 48 आवर्स के अंदर आप पोल ले सकते हो, 48 घंटे के अंदर पोल ले सकते हो, लेकिन बता रहा हूं प्रैक्टिकली तुरंत ही होता है. हाँ सर, लेकिन आप, आपकी आईडी से लिख रहे हो तो फिर भी मैं दिख रहा हूं. बाप रे बाप, बताओ क्या करने का अभी. चालू किया था तो ओके यूट्यूब पे ने भी है ना सस्ता नशा किया हुआ है. सर सीएस प्रोफेशनल का लेक्चर ले रहे हैं अपनी आईडी से, यूनिक की आईडी से नहीं, अपने खुद के पर्सनल आईडी से, और उनके लेक्चर में मैं दिख रहा हूं बताओ, उनके लेक्चर में मैं दिख रहा हूं बताओ. उस टाइम पे मोदी सौमिल सर ने लेक्चर चालू किया तो मेरा बंद हो गया लेक्चर, उन्होंने चालू किया तो मेरा लेक्चर बंद हो गया ऑटोमेटिकली. तो हो जाता है, पता नहीं यूट्यूब ने भी कौन सा नशा किया है, पता नहीं जी कौन सा नशा. हाँ तो चलिए, पोल कब लेना है, टाइम ऑफ पोल, कितने टाइम के अंदर पोल लेना है. देखो यार, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही थी, बीच में से कोई पप्पू उठा, अरे सर 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 वोटिंग पोल से होगी, उसने रिक्वेस्ट किया पोल. तो अगर उसने चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए पोल बोला है, तुरंत लो पोल, तुरंत बैलेट पेपर बांटो, सब लोग जो मेंबर बैठे हैं उनको बैलेट पेपर दो, अरे अरे वोट कर बाबू, वोट कर, जल्दी से वोट करके अपने आप को वापस ले लो, तुरंत लेना है. और अगर अदर रीजन है 48 आवर्स, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूं तुरंत हो जाता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं तुरंत हो जाता है पोल. पोल में मेन खासियत क्या है ना, पोल में मेन खासियत क्या है ना, वन शेयर वन वोट.
है ना, पोल में मेन खासियत क्या है ना, वन शेयर वन वोट, एक व्यक्ति को एक वोट करने का अधिकार है। अगर चेयरमैन है इमीडिएटली ले लो, अदर केसेस है 48 आवर्स के अंदर। पोल पेपर शैल बी गिवन टू ऑल मेंबर हैविंग वोटिंग पावर, चेयरमैन विल अपॉइंट द स्क्रूटनी, दो स्क्रूटनाइजर को यहां पे भी अपॉइंट करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, और स्क्रूटनाइजर अपना क्या बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा, और चेयरमैन डिक्लेयर कर देगा रिजल्ट, और जो भी चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा डीम टू बी पास्ट, वो पास्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट पोल। चलिए जल्दी से एक बार इसको सेक्शन 110 को 110 को रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो बताइए पोल में क्या है, वन शेयर वन वोट है। पोल में क्या है, वन शेयर वन वोट है पोल में, बहुत बढ़िया। पोल कौन डिमांड कर सकता है, तो चेयरमैन सुयुमोटो, मेंबर डिमांड कर सकते हैं हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में हैविंग शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और एग्रीगेट होल्डिंग कितना है 5,00,000 रुपए। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अगर नहीं है तो कितने लोग बेटा, शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% ऑफ वोटिंग पावर। सर कब लेना है पोल, अगर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए हुआ है इट शैल बी टेकन इमीडिएटली, अगर अदर रीजन है तो 48 आवर्स के अंदर लेना है, 48 आवर्स के अंदर लेना है। बहुत बढ़िया सर, पोल पेपर बैलेट पेपर तुरंत दे दिया जाएगा, स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेंगे, दो स्क्रूटिनाइजर होंगे जो वोट काउंट करेंगे, दो स्क्रूटिनाइजर होंगे जो वोट काउंट करेंगे, एंड स्क्रूटिनाइजर ने अपनी रिपोर्ट देनी है चेयरमैन को, और चेयरमैन जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा डीम टू बी पास्ट। देन एक छोटा सेक्शन पहले कर लें, 118 और 121 कर लेते हैं, क्या ब्रेक दे दूं आपको। चलो एक बार 114 पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। यहां तक हमने 110 कर लिया है, 110 तक कर लिया, 114 और कर लो, 114, 96 AGM, 97 AGM by NCLT, 98 EGM by NCLT, 99 penalty, 100 EGM, 101 notice, 102 special business explanatory statement, 103 quorum, 104 chairperson, 105 proxy, 106 restriction on voting power, अगर तुमने shares का पैसा नहीं दिया है, call money due है, तो आप वोट नहीं कर सकते हो, 107 show of hand, 108 electronic, 109 poll, 109 पोल है, और 110 पोस्टल बैलेट, 110 पोस्टल बैलेट, मैंने गलत बोला, पहले पोल का 109 है, पोस्टल बैलेट का 110 है, ठीक है। 114 टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, दो टाइप के रिजोल्यूशन है, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वोट कास्टेड इन फेवर, जो फेवर में वोट कास्ट हुआ है इज मोर देन द वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, जो फेवर में है वो ज्यादा है against the resolution, और special resolution मतलब क्या, जो वोट आपने cast किया है is 3 times more than the against, 3 गुना ज्यादा है against के, मतलब 75% or more। class meeting का मतलब क्या होता है, particular class of meeting को बोलते हैं class meeting, only such class of shareholder can attend the meeting, उसी class के लोग वो meeting attend कर पाएंगे, जैसे preference shareholder, even a single shareholder can hold valid class meeting if he hold entire shareholder, जैसे preference shareholder, अकेला व्यक्ति हूँ पूरे preference shareholder, पूरे company में एक ही व्यक्ति हूँ preference share, तो मैं अकेला meeting hold कर सकता हूँ। This is section 100. This is what class meeting. This is what class meeting. अब देखो यार, एक बार 118 कर लें क्या? Minutes कर लें क्या? Minutes कर लेते हैं, फिर break दे देता हूँ आपको। कि break ले लो। चलो break ले लो। 7:30 बजे मिलेंगे। आधा घंटा और लूँगा, या फिर 8:10 तक, 8:10 तक complete कर देंगे। 8:10 तक आपको खत्म कर देंगे। 8:10 या 8:15 तक आपको खत्म करवा दूंगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हम मिलते हैं 7:30 बजे। 7:30 को हम लोग मिलते हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर 40 मिनट्स। 7:30 से 40 मिनट और 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।
चलिए यार शुरू करते हैं, वापस से आ जाइए। चलिए यार शुरू करते हैं, इट्स 7:30, विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में अपन इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, आधे घंटे में अपन इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो भैया आपका समझ लीजिए पार्ट भी पूरा खत्म हो गया है, जिसमें अपन ने अराउंड 40 केस स्टडी सॉल्व कर ली है, 10-20 केस स्टडी और इसके सॉल्व करवाऊंगा। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। जब तक सभी लोग आते हैं, हाँ क्या क्या दिखते हैं, हाँ ठीक है, इश्यू ऑफ डीवीआर, अच्छा हाँ हाँ डी फॉर डीवीआर भी है, इसमें एक और चीज लिख लेना, डी फॉर डी मर्जर भी है और इश्यू ऑफ डीवीआर भी है, डी फॉर डी मर्जर भी है और एक इश्यू ऑफ डीवीआर भी है बेटा। चलिए बड़ी ओके, जब तक सब लोग आते हैं छोटा सेक्शन कर लेते हैं, 118 कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है, 118 थोड़ा इजी, 118 और 121 कर लेते हैं, 118 और 121 कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें 118 की, मीटिंग की अगर हम बात करें तो 118 में क्या लिखा हुआ है, मिनट्स। तो हर जनरल मीटिंग का आपको क्या प्रिपेयर करना है, मिनट्स प्रिपेयर करना है। हर जनरल मीटिंग का आपको क्या करना है बेटा बताओ जल्दी से, मिनट्स प्रिपेयर करना है। मतलब जितना आपका जो भी जनरल मीटिंग हो रही है उसकी आपको फेयर एंड करेक्ट समरी आपको क्या करनी है दोस्तों, प्रिपेयर करनी है। दिस इज व्हाट बेटा आपका मिनट्स करेक्ट है। मिनट्स कितने दिन के अंदर प्रिपेयर कर देना है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको मिनट्स प्रिपेयर कर देना है। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपके मिनट्स क्या हो जाने चाहिए, प्रिपेयर हो जाने चाहिए। 30 डेज के अंदर आपके मिनट्स बन जाने चाहिए। जी बेटा मिनट्स सीरियली नंबर होना चाहिए। कितने दिन के अंदर रिकॉर्ड कर देना आपको मिनट बुक आपको 30 डेज के अंदर रिकॉर्ड कर देना है। मिनट बुक आपको कितने दिन के अंदर रिकॉर्ड कर देना है, 30 डेज के अंदर। कि मिनट बुक है क्या, दिस इज द फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मिनट, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मीटिंग के अंदर क्या हुआ उसका फेयर एंड करेक्ट समरी है। उसका क्या है दोस्तों, फेयर एंड करेक्ट समरी। सो क्या सर खुले पन्ने लूजली फॉर्म में बना सकते हैं हम लोग मिनट्स, बना सकते हो, लेकिन पीरियोडिकली उसको क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा, पीरियोडिकली उसकी बाइंडिंग होगी, पीरियोडिकली उसकी क्या होगी दोस्तों, बाइंडिंग होगी। लूजली फॉर्म में आप मिनट्स बना सकते हो लेकिन पीरियोडिकली उसको क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। सर ये मिनट्स कहां रखेंगे, मिनट्स रहते हैं रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, मिनट्स कहां रहेंगे आपके, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है ना वहां पे आपके मिनट्स रहेंगे, और सच अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कोई और प्लेस जो किसने अप्रूव किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसका अप्रूवल दे दिया है, कोई और प्लेस जिसका अप्रूव्ड बाय होम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है वहां पे। चलिए सर, सर ये परमानेंटली रखना है, मतलब ये जो मिनट्स है ना ये परमानेंटली प्रिजर्व करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि मिनट्स बनाया आपने और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, परमानेंटली प्रिजर्व करना है। और सीएस के कस्टडी में रहेगा, कस्टडी में किसके रहेगा, सीएस के कस्टडी में रहेगा, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। साइन बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और ड्यूली ऑथोराइज डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या तो इस मीटिंग का चेयरमैन या तो ऑथोराइज डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर को हमने अथॉरिटी दी है वो मिनट बुक को साइन करेगा। सर क्या मिनट बुक को कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, आंसर इज नो, मिनट बुक को कंपनी सेक्रेटरी साइन करता नहीं है, याद रखना मिनट बुक को कंपनी सेक्रेटरी साइन करता नहीं है, मिनट बुक उसके कस्टडी में रहती है, मिनट बुक उसके कस्टडी में, सीएस के कस्टडी में रहती है, लेकिन वो साइन करता नहीं है, सीएस मिनट बुक साइन नहीं करता, याद रखना सीएस मिनट बुक साइन नहीं करता है। सो केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस और सच अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको क्या करना है आपको, परमानेंटली प्रिजर्व करना है, मिनट्स को क्या करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना विद द कस्टडी, और कस्टडी कहां रहेगी, सीएस में, कस्टडी कहां पर रहेगी दोस्तों, सीएस में। जो रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ वो मिनट का पार्ट होना चाहिए। अच्छा यार देखो मिनट में कुछ भी ऐड और डिडक्ट करना है, कुछ निकालना है कुछ ऐड करना है, तो चेयरमैन के कंसेंट से, चेयरमैन एंड मेजोरिटी डायरेक्टर के कंसेंट से क्या कर सकते हो आप, ऐड और डिलीट कर सकते हो, चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि उसमें कुछ मिनट्स में कुछ ऐड करवाना है कुछ निकालना है, तो चेयरमैन कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है।
नंबर्ड होने चाहिए, बिल्कुल नंबर्ड होने चाहिए, परमानेंटली प्रिजर्व करना है, डिफरेंट मीटिंग के लिए डिफरेंट होना चाहिए बेटा। और साइन कौन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा। सीएस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सीएस के पास कोई अथॉरिटी नहीं साइन करने की। ऑल अपॉइंटमेंट शैल मेड शैल बी, अपॉइंटमेंट मतलब जो भी रिजोल्यूशन पास हुए हैं वो मिनट बुक में आने चाहिए, जो भी रिजोल्यूशन पास हुए मिनट बुक में आने चाहिए। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है तो कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे वो भी बताना है आपको। जिस डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन के लिए मना, ये बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, बोर्ड मीटिंग की, जिस डायरेक्टर ने मना किया है उसका भी नाम आना चाहिए। डिस्टिंक्ट मिनट बुक फॉर डिफरेंट मीटिंग। तो इससे इससे मिनट से क्या क्वेश्चन आ सकता है, मिनट्स कितने दिन के अंदर बनने चाहिए? 30 डेज के अंदर। किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में। किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा मिनट बुक। लाइट आई क्या? आ गई क्या? हाँ। मिनट किसके, मिनट बुक किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा। मिनट बुक किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी। साइन कौन करेगा? चेयरमैन या ऑथराइज डायरेक्टर। चेयरमैन साइन करेगा या तो ऑथराइज डायरेक्टर साइन करेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन है रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जैसे ही आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसका रिपोर्ट आपको फाइल करना है किसको बेटा? आरओसी को। इट इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 121 इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 121 इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी ने रिपोर्ट बनाना जनरल मीटिंग का और वो आरओसी को फाइल करना विद इन व्हाट? 30 डेज फॉर कंक्लूजन ऑफ मीटिंग इन फॉर्म नंबर एमजीटी 15। जैसे मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी है एंड सच रिपोर्ट शैल बी फाइल विद आरओसी। वो रिपोर्ट किसको फाइल करना है? आपको आरओसी को फाइल करना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और टू डायरेक्टर वन ऑफ होम शैल बी एमडी। तो साइन कौन करेगा? या तो चेयरमैन साइन करेगा, अगर चेयरमैन नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक एमडी होना चाहिए अगर कंपनी में एमडी है तो। अब मैंने लिस्टेड कंपनी तो एमडी होगा ही होगा, तो दो डायरेक्टर में एक एमडी होना चाहिए। तो 2+1 नहीं है, 2 में से एक एमडी होना चाहिए, दो में से एक एमडी होना चाहिए। इट कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब आपको आरओसी को भी बताना है, आप लिस्टेड कंपनी हो यार, आप बड़े कंपनी हो, तो आपकी मीटिंग का प्रोसीडिंग आपको आरओसी को भी बताना है कि भैया हमने मीटिंग ली है, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, ये रहा उसका रिपोर्ट। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है और ये रहा उसका रिपोर्ट। ये आपको आरओसी को बताना है। ये आपको किसको बताना है दोस्तों? आरओसी को बताना है। चलिए अब भाई साहब दो इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे हुए हैं बस। एक है मेंबर सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, है ना, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे हुए हैं बस, इस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। एक बचा हुआ है बेटा, कौन से दो इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे हुए हैं? एक बचा हुआ है आपका बेटा हाँ, एक बचा हुआ है दोस्तों आपका सेक्शन 115 रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कौन सा बचा हुआ है? रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। और दूसरा बचा हुआ है 111, दैट इज व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। तो 111 और 115 दो पॉइंट बचे हुए हैं, देख लेते हैं आराम से। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, सेक्शन 111। सेक्शन की बात करें हम लोग, कौन सा? 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। अब बेटा समझो, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। कोई मीटिंग है, कोई मीटिंग है, उसमें उस मेंबर को लग रहा है कि अपना एक रिजोल्यूशन सर्कुलेट होना चाहिए, मतलब वी वांट टू पास रिजोल्यूशन। मेंबर को कोई रिजोल्यूशन पास करना है, सुनना, मेंबर को कोई रिजोल्यूशन पास करना है इन द मीटिंग। तो मेंबर क्या बोलेगा मालूम कंपनी को? ये देखो ये रिजोल्यूशन हमें पास करना है, आप सबको बताओ, सर्कुलेट करो कि ये मेंबर ने रिजोल्यूशन प्रपोज किया है। यार एक होता है ना, हमें अपनी बात रखनी है, सुनना अच्छे से। यहां पे मेंबर क्या कर रहा है ना, मेंबर क्या कर रहा है? मेंबर मतलब कौन से? वही मेंबर जो एज पर रिक्विजिशन है, रिक्विजिशन मतलब ईजीएम में जो रिक्विजिशन था, ईजीएम में क्या था? 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हैविंग 20% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर। और अगर कंपनी में वोटिंग पावर नहीं है तो 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो कितने मेंबर? एटलीस्ट उतने मेंबर, रिक्विजिशन वाले मेंबर, है ना। रिक्विजिशन वाले मेंबर को लगता है कि हमें कोई रिजोल्यूशन पास करना है, हमें कोई क्या पास करवाना है, हमें कोई रिजोल्यूशन पास करना है, हमें कोई क्या पास करना बेटा? रिजोल्यूशन पास करना है, या हमें कोई हमारा स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है। देखो दो चीजें समझना, दो चीजें आराम से समझना, कॉन्सेंट्रेट करके शांति के साथ, शांति से सुनना, क्लियर हो जाएगा एकदम, शांति से सुनना। एक मिनट मैं बैटरी चेंज कर देता हूं, ये इसका सेल उड़ गया है। बस 15 मिनट और पेशेंस रखिए, खत्म हो गया ये चैप्टर हमारा। 15 मिनट पेशेंस रखिए, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने आ रहा है बेटा। 15 मिनट पेशेंस रखिए और शांति से सुनिए, दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 111,
है ना, और सेक्शन 105 15, 115 और 111, 115 और 111, 115 और 111, दो सेक्शन बचे हुए हैं, खत्म। फिर सो मेंबर को सपोज यार मैं कम, आप इमेजिन करना, यू ऑल आर दी मेंबर ऑफ रिलायंस कंपनी, यू आर ऑल आर दी मेंबर ऑफ रिलायंस कंपनी, और आप चाहते हो कंपनी में बायबैक होना चाहिए, यू वांट टू प्रपोज दी बायबैक कि कंपनी बायबैक कर ले, तो आप मेंबर कंपनी को क्या भेजोगे? कंपनी को भेजोगे कि यार देखो ये रिजोल्यूशन पास करना है। आप रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि हमें ये रिजोल्यूशन पास करवाना है। आपने किसको भेजा? कंपनी को। कंपनी उस रिजोल्यूशन को किसको भेजेगी? सारे मेंबर को, क्योंकि आप तो रिक्विजिशन वाले हो, तो सारे मेंबर को बोलेंगे। फिर मेंबर की मीटिंग होगी, और अगर रिजोल्यूशन पास हो गया, इस रिजोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन बाय मेंबर, सर्कुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मेंबर। मतलब ये रिजोल्यूशन किसका है? मेंबर ने प्रपोज किया कि ये रिजोल्यूशन पास करो। मेंबर के कहने से कंपनी ने ये रिजोल्यूशन पास या फेल जो भी होगा ये सर्क्यूलेट किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्शन क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, सेक्शन 111, 111, सेक्शन क्या है? 111, 111, 111, ठीक है। रिक्विजिशन, पहले बात तो ये रिक्वेस्ट कौन करेगा? मेंबर। और कितने मेंबर? रिक्विजिशन वाले, जो हमने 100 में देखा था, ठीक है सर। मेंबर या तो क्या चाहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन, कि हमारा रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाए, सब में हमारा रिजोल्यूशन बांटा जाए, हम जो चाहते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हो, सर्कुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन। तो उनको, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट 6 वीक बिफोर द मीटिंग, कहां पे डिपॉजिट करोगे? डिपॉजिट एट व्हाट? रजिस्टर ऑफिस। 6 हफ्ते पहले। कितने हफ्ते पहले? 6 हफ्ते पहले। 962 लाइक्स हुए हैं, उसको 1000 तक हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो नोटिस एटलीस्ट 6 वीक बिफोर द मीटिंग, 6 हफ्ते पहले नोटिस देंगे हम लोग, और वो डिपॉजिट करेंगे एट व्हाट बेटा? आपका रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी पे हम लोग क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अगर आपने, देखो यार एक चीज होती है ना, कंपनी एजीएम लेने वाली है, उसके 6 हफ्ते पहले हमने बोल दिया कि ये रिजोल्यूशन सर्कुलेट करना, कंपनी बहुत चतुर निकली। जैसे ही देखो, जैसे यहां पे शुभम अब्बड़ है जो रिक्विजिशन में, उसने कंपनी को नोटिस दी 6 हफ्ते पहले। अब 6 हफ्ते पहले मतलब क्या? कंपनी ने अभी तक एजीएम लेने का कुछ डिसाइड ही नहीं किया, ना नोटिस भेजी ना कुछ भेजा, कुछ भी नहीं भेजा है, और हमने तो नोटिस दे दिया ना कंपनी को। कंपनी ने देखा नोटिस और तुरंत मीटिंग ले ली, 6 हफ्ते के पहले मीटिंग ले ली, और आपका रिजोल्यूशन सर्कुलेट ही नहीं किया। आपने पूछा कि भाई साहब मेरा रिजोल्यूशन क्यों सर्कुलेट नहीं किया? बोले तूने लेट दिया था, 6 हफ्ते पहले देना चाहिए, मीटिंग 5 हफ्ते में ही हो गई। इसमें तो कंपनी की गलती है ना यार, कंपनी ने मीटिंग कब लेना कुछ डिसाइड तो नहीं था ना, हमने तो अंदाज से 6 हफ्ते कैलकुलेट करके दे दिए। अब हमें थोड़ी पता कंपनी कब मीटिंग लेगी, कंपनी ने कुछ भी तैयारियां नहीं की, और मैंने मीटिंग नोटिस दे दिया था, मैंने नोटिस दे दिया था। कंपनी ने चतुराई दिखाई, कंपनी ने क्या दिखाई बेटा? चतुराई दिखाई। ये तो वही बात हुई ना, सुनना, जैसे एक गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर में हमने क्या बोला मालूम? कि 1 महीने पहले है ना, 1 महीने पहले आपको बताना है, लेकिन अभी तक हमने गेट टुगेदर का है ना, गेट टुगेदर का डेट डिसाइड नहीं किया, सिर्फ बोला कि 1 महीने पहले बताना है, डेट ही डिसाइड नहीं है। मैंने बोल दिया सबको कि मैं आने वाला हूं, और इन्होंने 20 दिन के अंदर ही गेट टुगेदर ले लिया, और जब मैं आना दरवाजा बंद कर दिया मेरे सामने, बोले 1 महीने पहले बताना था, हमने तो 20 दिन के अंदर ही तुम्हारा गेट टुगेदर हो गया, तूने 1 महीने पहले नहीं बताया, तेरे को हम अंदर नहीं लेंगे। अरे ये कौन सी बात हुई? तुमने गेट टुगेदर की डेट ही डिसाइड नहीं की, मैंने तो दे दिया नोटिस। इसमें तो तुम्हारी गलती है ना, इसमें तो तुम्हारी गलती है ना। वैसे ही आपको, देखो यार कंपनी का अभी एजीएम का डेट डिसाइड नहीं है, आपको एक अंदाजा है कि एजीएम 6 महीने के अंदर होती है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ व्हाट बेटा? आपका फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तुरंत आपने नोटिस दे दी, और आपके नोटिस देने के बाद अगर कंपनी ने ना 6 हफ्ते के पहले ही मीटिंग ले ली ना, हम लोग क्या मानेंगे कि भैया डीम टू बी कंप्लाइड, हम ऐसा मान लेंगे कि आपने 6 हफ्ते पहले नोटिस दिए, और कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिजोल्यूशन को सर्कुलेट करवाएं, उस रिजोल्यूशन को सर्कुलेट करवाएं। तो देखिए सर्कुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है,
इसका रिक्वेस्ट कौन दे रहा है? रिक्विजिशन, रिक्विजिशन वाला इसका रिक्वेस्ट दे रहा है। कितने पहले, कितने हफ्ते पहले नोटिस देना है? 6 हफ्ते पहले, 6 वीक बिफोर, 6 हफ्ते पहले देना है। कहाँ देना है? डिपॉजिट करना है एट व्हाट बेटा? आपका रजिस्टर ऑफिस। डिपॉजिट कहाँ करना है? रजिस्टर ऑफिस पे, ठीक है। अगर आपने सालों चतुराई की और एजीएम आपने बुला ली, कॉल्ड विद इन 6 वीक, 6 हफ्ते में बुला ली, 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही बुला ली, और आपको बोला कि हम तो आपका रेजोल्यूशन सर्कुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि 6 हफ्ते पहले नोटिस देना था, मीटिंग तो उसके पहले ही होगी, तो ये तो कंपनी की चतुराई है ना, तो हम मानेंगे। आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा, सर्कुलेट द रेजोल्यूशन, तो भी आपको रेजोल्यूशन सर्कुलेट करना पड़ेगा। हम मानेंगे कि आपने 6 हफ्ते पहले डीम टू बी नोटिस सब हो गई है, नोटिस आपकी डीम टू बी सब हो गई है। हाँ, अगर कंपनी ने ऑलरेडी डेट डिसाइड कर दी है, डेट की नोटिस भी दे दी है और फिर आप जाके बोलते हो, तो कंपनी आपका सर्कुलेट नहीं करेगी क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था ये डेट, इसके 6 हफ्ते पहले होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी डिसाइड कर दिया तो सर्कुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में आपने, आपके नोटिस के बाद में डिसाइड किया, तो बेटा रिजोल्यूशन सर्कुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला हिस्सा है इसका। दूसरा हिस्सा है, आपको रिजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं करना, आपको आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐड करना है। जैसे कंपनी इस बार बायबैक कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने बायबैक नहीं करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा ये चीज सारे मेंबर पढ़े ताकि वो वोट ना करे उसके फेवर में, तो सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट। मुझे रिजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है। सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है, तो आपको 2 हफ्ते पहले डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट सिर्फ कितने हफ्ते पहले करना है? 2 हफ्ते पहले। अगर आपको खुद का रिजोल्यूशन, मैंने क्या बोला, देखो दो एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं होता एक्चुअली, बहुत फैकल्टी से पढ़ाती नहीं है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं इसको। मैं कंपनी का मेंबर हूं, मुझे लगता है कि ये रिजोल्यूशन कंपनी में पास होना चाहिए, तो मैं रिजोल्यूशन कंपनी को दूंगा, कंपनी उसको सर्कुलेट करेगी। सर्कुलेशन ऑफ रिजोल्यूशन, मेंबर्स रिजोल्यूशन, हाँ है ना, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। तो मैं वो रिजोल्यूशन किसको दूंगा? कंपनी को, कि मुझे ये रिजोल्यूशन पास करवाना है, कंपनी उस रिजोल्यूशन को सर्कुलेट करेगी टू ऑल दी मेंबर्स। पास होना नहीं होना वो तो वोटिंग पे डिपेंड है, बराबर है, सर्कुलेट तो करना पड़ेगा। कितने हफ्ते पहले मुझे रिजोल्यूशन देना पड़ेगा? 6 हफ्ते पहले। और अगर कंपनी ने जानबूझ के मीटिंग 6 हफ्ते के पहले ले ली, तो हम मानेंगे डीम टू बी अप्लाई, कंपनी को फिर भी रिजोल्यूशन सप्लाई करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन देना पड़ेगा सबको, रेजोल्यूशन देना पड़ेगा सबको। दूसरा सिचुएशन है सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब मुझे कोई रेजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं करना है, कंपनी का नोटिस आया और उसमें लिखा था कंपनी बायबैक करने वाली है, या लेट से कंपनी डीवीआर इशू करने वाली है, या लेट से कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाली है। मैंने बोला कि मुझे एक स्टेटमेंट, मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरा एक्सप्लेनेशन सबको जाना चाहिए, मेरा एक स्टेटमेंट सर्कुलेट होना चाहिए, तो 2 हफ्ते पहले मैंने क्या करना है? 2 हफ्ते पहले मैंने उसको डिपॉजिट कर देना कंपनी को, मीटिंग के 2 हफ्ते पहले, एजीएम के 2 हफ्ते पहले, कि मुझे ये स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है, कंपनी उस स्टेटमेंट को सर्कुलेट करवा देगी सारे मेंबर को, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देगी एटलीस्ट। अच्छा, ये सर्कुलेशन कब नहीं होगा? जब आप नीडलेस पब्लिसिटी करना चाहते हो, मतलब कंपनी के बारे में आप भला बुरा बोलना चाहते हो, तो ये स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं होगा। अगर नीडलेस पब्लिसिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर देना। किसको अपील कर देना? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर देना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नीडलेस पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, जैसे आपका राखी सावंत करती है नीडलेस पब्लिसिटी, या KRK, दैट इज व्हाट, कौन सा वो रिव्यू देता है, KRK क्या नाम है उसका यार, जो भी है वो रिव्यू देता है, नीडलेस पब्लिसिटी करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर दो। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा, क्या लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि भाई साहब ये नीडलेस पब्लिसिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एग्जम्प्ट कर देगी, आपको छूट दे देगी, एग्जम्पशन दे देगी कि बस खत्म, टाटा बाय बाय, ये रिजोल्यूशन या इसका नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है, सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 111। देखिए एक बार रीड कर लेते हैं, कितने लोग, वही 1/10 वोटिंग पावर। नोटिस डिपॉजिट करना कितने हफ्ते पहले? 6 हफ्ते पहले। अगर मीटिंग 6 हफ्ते के पहले ले ली, हम मानेंगे नोटिस डीम टू बी डिपॉजिटेड, शैल डीम टू बी डिपॉजिटेड। नोटिस 2 हफ्ते पहले देना अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है, करेक्ट है, कंपनी शैल सर्कुलेट दी नोटिस टू ऑल द मेंबर। लेकिन कब नहीं करना है? जब नीडलेस पब्लिसिटी के लिए किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट कर सकती है। लास्ट सेक्शन है इसका, रिजोल्यूशन रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस।
रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, मतलब कुछ रिजोल्यूशन पास करने के लिए मेंबर से स्पेशल नोटिस आना जरूरी है, मेंबर से स्पेशल नोटिस आना जरूरी है, तभी जाके वो रिजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज वो रिजोल्यूशन पास नहीं होने वाला है। रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, मतलब कुछ ऐसे रिजोल्यूशन है जो रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपको स्पेशल नोटिस कंपनी को देनी पड़ेगी, तभी जाके कंपनी वो रिजोल्यूशन पास कर सकती है, अदरवाइज नहीं, तभी जाके वो रिजोल्यूशन पास होता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहले बात तो स्पेशल नोटिस मतलब कौन देगा स्पेशल नोटिस, ऐसे मेंबर जिसके पास 1% वोटिंग पावर है कंपनी का, या फिर वो कंपनी में कितना होल्ड करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल का 500,000 रुपए होल्ड करते हैं, 5 लाख रुपीज पे किया उन्होंने, या तो 1% उनके पास वोटिंग पावर है, या तो 1% वोटिंग पावर है, या 500,000 जितना होल्ड करते हैं, उन्होंने नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, तभी जाके कंपनी ये रिजोल्यूशन पास कर सकती है, अदरवाइज ये रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 5 लाख रुपीज, बहुत बढ़िया। अब ये नोटिस कौन देगा, तो मेंबर देंगे नोटिस, कितने मेंबर बेटा, जिसके पास क्या है 1% वोटिंग पावर है, या फिर क्या है जो कंपनी में कितना होल्ड करते हैं, 500,000 पेड अप होल्ड करते हैं, 5 लाख रुपीज पेड अप होल्ड करते हैं, ठीक है। नोटिस या तो इंडिविजुअली साइन करो, मतलब अगर अकेला व्यक्ति इतना होल्ड करता है तो अकेला नोटिस दे देगा, या कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब क्या, हम 50 लोग मिलकर 1% होल्ड करते हैं तो उस नोटिस में 50 लोगों का साइन होना चाहिए, हम 50 लोग मिलकर, या हम 10 लोग मिलकर 500,000 होल्ड करते हैं तो हमारे 10 का साइन होना चाहिए। मैं अकेला 500,000 होल्ड करता हूं तो मैं अकेला दे दूंगा नोटिस, अगर हम 10-15 लोग मिलकर होल्ड करते हैं तो हम कलेक्टिवली उसको क्या देंगे, नोटिस देंगे। नोटिस कितने पहले, कितने दिन पहले दोगे, एटलीस्ट 14 दिन पहले, 14 days बिफोर, बट नॉट अर्लियर देन 3 months। क्या बोला, एटलीस्ट 14 दिन पहले देना है, मीटिंग के एटलीस्ट 14 दिन पहले देना है, लेकिन मीटिंग के 3 महीने के पहले मत दे देना, मतलब मीटिंग के 6 महीने पहले देना चाहते हो नहीं चलेगा, मीटिंग के 10 महीने पहले देना चाहते हो नहीं चलेगा, मतलब जिस दिन मीटिंग है, सुनना, जिस दिन मीटिंग है उसके एटलीस्ट 14 दिन पहले, और यहां से लेके तो 3 महीने, समझ लो अगर मीटिंग होने वाली अप्रैल में, 1 अप्रैल को, तो 1 जैन से लेके 15 मार्च तक आपको नोटिस देना है, क्योंकि एटलीस्ट 14 दिन पहले देना, 16 मार्च पकड़ लो, 17 मार्च पकड़ लो, 16-17 जो भी आएगा, एटलीस्ट 14 दिन पहले देना है, लेकिन 3 महीने से इसके पहले नहीं देना है, इसके पहले नहीं देना है, मतलब दिसंबर में, नवंबर में ये नोटिस नहीं, कम से कम 14 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले, कम से कम 14 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले, 3 महीने से पुराना नोटिस नहीं चलेगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आपने नोटिस दी, फिर वो कंपनी क्या करेगी, उस नोटिस को सारे मेंबर को देगी, ऑल मेंबर को दे देगी, ऑल मेंबर को, कितने दिन पहले, एटलीस्ट 7 days पहले। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, अरे डायरेक्टर को निकालने के लिए बाबू, डायरेक्टर को निकालने के लिए हमने स्पेशल नोटिस दिया था, 14 दिन पहले दिया, फिर कंपनी ने 7 दिन में सबको सर्कुलेट किया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169, बस उसके लिए स्पेशल नोटिस लगती है, स्पेशल नोटिस लगती है। आइए आइए इस सेक्शन का अंतिम श्रद्धांजलि कर देते हैं, अंतिम श्रद्धांजलि कर देते हैं, आइए इसका। सो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव रिजोल्यूशन, ठीक है, नोटिस या तो इंडिविजुअली या तो कलेक्टिवली, मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% और टोटल वोटिंग पावर ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर 500,000 का पेड अप है, नोटिस नॉट अर्लियर देन 3 months बट एटलीस्ट 14 दिन पहले, कंपनी शैल सेंड द नोटिस एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, कंपनी 7 दिन पहले सबको नोटिस दे देगी, या फिर वो न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर देगी, न्यूज़पेपर में क्या करेगी, उसको पब्लिश कर देगी, करेक्ट है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर। सर कौन से ऐसे काम है जिसके लिए स्पेशल नोटिस लगता है, तो एक तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को निकालने के लिए आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑडिटर, जब आप ऑडिटर को निकालते हो ना तो उसके लिए भी स्पेशल नोटिस देना है, अगर आप कोई डायरेक्टर को निकाल रहे हो या कोई आप ऑडिटर को निकाल रहे हो तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। अकेला व्यक्ति अगर होल्ड करता है उतना तो अकेला दे दो, कलेक्टिवली मतलब बहुत लोग मिलकर साइन करके नोटिस दे देंगे, कि हम अकेले तो होल्ड नहीं करते, हम 5-6 लोग मिलकर इतना होल्ड करते हैं। कौन से रिजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस लगती है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर,
मतलब कौन से रिजोल्यूशन की लगती है तो बता दूं आपको। रिजोल्यूशन एक तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ रिमोनी इन द प्लेस ऑफ द डायरेक्टर सो रिमूव डायरेक्टर सो रिमूव सो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, डायरेक्टर को निकाल रहे हो और उसकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, पहला। और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब पुराने वाले को निकाल रहे हो और उसको नए को अपॉइंट कर रहे हो। तो दो केस में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। ओके, कुछ रिजोल्यूशन ऐसे हैं जो आपको फाइल करने पड़ते हैं। दो पॉइंट पढ़ लो जल्दी से, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, कि कुछ रिजोल्यूशन ऐसे हैं जो आपको फाइल करने पड़ते हैं। तो जितने भी स्पेशल रिजोल्यूशन है वो आपको आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे 30 डेज के अंदर इन फॉर्म नंबर MGT 14। कुछ रिजोल्यूशन ऐसे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, रिजोल्यूशन है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो आपको किसको फाइल करने पड़ते हैं, आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? MGT 14 के फॉर्म में। कौन सा? स्पेशल रिजोल्यूशन, पहला। दूसरा यूनानिमस रिजोल्यूशन, ऐसे रिजोल्यूशन जहां पे 100% लोगों ने अप्रूवल दिया है। थर्ड वन, बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया आपने फॉर द रीअपॉइंटमेंट और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। एमडी को रीअपॉइंट कर रहे हो या उसके टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन कर रहे हो, उसके लिए जो बीआर पास किया ना वो भी 30 डेज के अंदर आरओसी को बताना है, आरओसी को बताना है। फिर फोर्थ वन, वॉलंटरी वाइंड अप। अगर आप कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहे हो ना तो भी आपको आरओसी को बताना है। एंड द फिफ्थ वन, अग्रीमेंट और रिजोल्यूशन विद क्लास ऑफ मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, ये भी आरओसी को बताना है। मतलब ये पांच चीजें आरओसी को आपको बतानी है। कब कब? पहला तो जैसे ही आपने एसआर पास किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14, फॉर्म नंबर MGT 14, आरओसी को बताना है। दूसरा यूआर, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया है। तीसरा बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया एमडी के रिलेटेड, एमडी के रिलेटेड। चौथा वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया, और पांचवा क्लास ऑफ मेंबर के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया, ये रिजोल्यूशन आपको फाइल करना पड़ेगा। सो गाइस रुकते हैं भैया, 4:15 बजे स्टार्ट किया था, आई थिंक 8 बजे, अराउंड फोर आवर्स। तो पूरा आपका जनरल मीटिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कल से अपन, कल नहीं, कल संडे, परसों से विल स्टार्ट विद द केस स्टडीज। परसों से हम क्या स्टार्ट करेंगे? केस स्टडीज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो बी रेडी, एक बार पढ़ लेना, मैं ऑडियो लेक्चर भेजता हूँ। कल मैं कुछ इंस्टाग्राम पे, जो लोग नए हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी भेजने वाला हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं कल कुछ केस स्टडी लगवाऊंगा। कुछ केस स्टडी का मैं फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, कुछ केस स्टडी आपको वहां से सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। विल सी यू, लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बहुत सारा प्यार देना, ताकि हम अगले लेक्चर में और जोश और जुनून के साथ मिल पाए। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जरूर कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसा लगा आपको।